नमो भगवते वासुदेवाय। प्रावृत्ति दो श्लोक के तीन श्लोक के बाद करेंगे। अहो बकीयम् स्तनकालकूटम् जिघांसयाप्यायदप्यसाध्वी लेभे गतिम् धातृचिताम् ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसयाप्यायदप्यसाध्वी लेभे गतिम् धातृचिताम् ततोऽन्यम् कं वा दयालुम् शरणम् व्रजेम। अहो बकीयम् स्तनकालकूटम् जिघांसयाप्यायदप्यसाध्वी लेभे गतिम् धातृचिताम् ततोऽन्यम् कं वा दयालुम् शरणम् व्रजेम। अहो असाध्वी बकी जिघांसया यम स्तनकालकूटम अप्याययत अपि धात्री उचितम गतिम लेभे ततो अन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ बदान्य भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ बदान्य हेना कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजयान नहीं भजे अन्य हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ बदान्य। श्री कृष्ण भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं और किए हुए की हमेशा याद रखते हैं, कृतज्ञ हैं और समर्थ हैं सब प्रकार से। सारा ऐश्वर्य है उनमें, सब तरह से रक्षा करते हैं भक्त की। वदान्य और अभिमत दाता, कोई व्यक्ति जो चाहता है उसे तो देते ही। जैसे कल कथा में आई थी, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किंत्वा शिशो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्र दयो विमोक्षण। भगवान ने धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जो भी चाहिए या सब चाहिए उसको तो देते ही हैं। इसके अतिरिक्त भक्त जिसकी कामना नहीं करता है संकोच से या जैसे या शुद्ध प्रेम से, वो चाहता ही नहीं है, फिर भी भगवान उसको देते हैं अन्य आशीर्वाद, कई बड़ा बड़ा, इससे श्रेष्ठ धर्म अर्थ काम मोक्ष के अतिरिक्त देते हैं। और यहां तक कि अपना पार्षद शरीर भी देते हैं।
अपने धाम में नित्य सेवक बना लेते हैं। वह शरीर नित्य है। श्री कृष्ण बदान्य है, अभिषेक तो देते ही हैं और भी बहुत देते हैं। तो हेना कृष्ण छाड़ी, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके यदि वास्तव में कोई पंडित होगा तो ऐसे कृष्ण को छोड़ करके ना ही भजे अन्य, दूसरे का भजन नहीं कर सकता। नहीं ज्ञान है तो दूसरी बात है, यदि पंडित है तो कौन ऐसा पंडित होगा जो भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करेगा। पंडित कहते हैं विद्वान को जिसके पास पंडा है। पंडा का अर्थ है सद असद विवेकवती बुद्धि। क्या सत्य है क्या असत्य है इसको जो जानता है और असत्य को छोड़ करके सत्य को ग्रहण करता है, इस विवेक शक्ति को पंडा कहते हैं। और पंडा से जो युक्त है उसको पंडित कहते हैं। पंडित केवल तिलक लगा लेने से नहीं हो जाता है। आजकल तो कोई आदमी तिलक कर ले तो पाए पंडित चले। तो जब श्री भगवान कंस का वध करने के बाद, और तो दो व्यक्ति को उन्होंने वादा किया था कि हम आपके घर आएंगे, एक तो शैरंध्री को, कुब्जा को, और अक्रूर जी को। अक्रूर जी जब भगवान को बलराम जी के साथ मथुरा पहुंचाए तो सबसे पहले अक्रूर जी ने यह रिक्वेस्ट किया कि प्रभु आप हमारे घर चलिए। तो भगवान ने कहा कि आप चलिए रथ को लेकर के, अब हम थोड़ा नगर घूमेंगे, मथुरा नगर, और इसके बाद हम आपके यहां आएंगे और कंस का वध करने के बाद आएंगे। तो पहले चले जाते तो कंस को शंका होती, पता है नहीं उधर क्या उसके घर में कर रहा है, ये अपने घर में क्यों बुलाया है। तो भगवान ने कहा कि आप चलिए, हम कंस का वध करने के बाद आपके घर में आएंगे। तो भगवान गए अक्रूर जी के घर। आयास्य भवतो गेहम अहम आर्य समन्वित। भगवान ने कहा था कि मैं श्री बलराम जी के साथ आपके घर आऊंगा। शैरंध्री के घर जब गए थे तो बलराम जी को नहीं लिए थे, उद्धव जी को लिए थे, और अक्रूर जी के घर गए तो श्री बलराम जी को लेकर गए। तो भगवान अपनी बात को सत्य किए, अपने वचन को पूरा किए, इससे बहुत प्रसन्न थे अक्रूर जी। तो वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कह पंडितस्तदपरम शरणम समीयाद भक्त प्रियाद ऋत गिरह सुहृद कृतज्ञात सर्वान् ददाति सुहृदो भजता भजतो भी कामान आत्मानमप्युपचया पचयौ नजस्या। अक्रूर जी कहते हैं कि हे प्रभो, आप का वचन सदा सत्य होता है। इससे लगता है कि भगवान जो टाइम बताए थे, दिन भी बताए होंगे कि मैं आऊंगा आपके यहां इस दिन और इस टाइम, तो भगवान ठीक टाइम से गए हैं। भगवान को कोई ट्रैफिक नहीं फंसा सकता है। मथुरा में कोई ट्रैफिक हो गया तो बहाना करें कि वो सॉरी देर हो गई, जो कहे थे उसी समय गए, क्योंकि ऋत गिरा सत्य वचन भगवान बोलते। पंचमी विभक्ति में है, भगवान ने अपनी बात को सत्य किया, ऋत गिरा, और भक्त प्रियात, और भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं। भक्तों से कितना स्नेह करते हैं भगवान, अगर इसको देखना हो तो पुतना के उद्धार में देख सकते हैं। पुतना भक्त नहीं थी, भक्त का वेश पहनी थी,
गोपी ड्रेस पहनी थी। ये राक्षसों में ये सब ड्रेस नहीं चलता है, परंतु पूतना जानती थी कि ब्रज में जा रहे हैं गोकुल, तो गोपी बन करके जाना चाहिए, नहीं तो मैं कैसे छल पाऊंगी, बच्चे को उठा पाऊंगी। अपना सारा भेष छिपा लिया था, स्वरूप छिपा लिया था, और परम सुंदरी स्त्री बन गई थी, और ब्रज में जैसे पहनती हैं स्त्रियां वह पोशाक पहन ली थी। भक्त का वेश देह करके भगवान नहीं मारे उसको, भक्त के वेश से भगवान को इतना प्रेम है तो भक्त से कितना प्रेम होगा। भक्त प्रियात, भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, रित गिरा उनकी बात सत्य होती है। कृतज्ञात, वे कृतज्ञ है, किए हुए को सदा याद रखते हैं, और थोड़ी भी सेवा की जाए तो बहुत मानते हैं। कृतज्ञ तो इतने हैं श्री कृष्ण, कोई केवल तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा दे और थोड़ा पानी तो अपने आप को भी दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं, भक्त के इच्छा के अधीन हो जाते हैं। जैसे मां यशोदा के इच्छा के अधीन है कृष्ण, या अर्जुन की इच्छा के अधीन है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने आज्ञा दिया दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, भगवान ने कहा क्यों, मैं दोनों सेनाओं में कौन कौन लोग आए हैं उनको देखना चाहता हूं, और विशेष करके उनका चेहरा देखना चाहता हूं जो दुर्योधन के पार्टी से आए हैं, तो मैं जरा देख लू कौन कौन लोग आए हैं। बहुत क्रोध में बोल रहे थे, मर्स में, ऐसा नहीं था कि समभाव से बोल रहे थे, इसीलिए शब्द का प्रयोग करें धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्ध युद्धे प्रिय चिकित्सा। दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहे हैं, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र का हित करने के लिए जो लोग आए हैं इस युद्ध में उनका चेहरा मैं देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक, अच्छा ये उद्देश्य है, तो रथ को ले गए, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किए, और अर्जुन को कह दिए खड़ा हो जाओ, देखो, देखने आया हो तो देखो, दोनों पार्टी के बीच में रथ खड़ा है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने उस पार्टी में, इधर तो युधिष्ठिर महाराज भीमसेन वगैरह थे। जब रथ को खड़ा किए भगवान, तो अर्जुन ने मोह पैदा करने के लिए अपने श्रीमद सुंदर अंगुली से दिखा करके कहने लगे। अर्जुन तो देख ही रहे थे, लेकिन भगवान कहते हैं पश्चेतान पार्थ समवेतान कुरुमिति, हे पार्थ यहां जुटे हुए समवेतान जुटे हुए कुरुवंशियों को देखो। अर्जुन भी कुरुवंशी थे, कुरु महाराज के वंश में जन्म लिए थे। पश्चेतान कुरुमिति, इनको देखो। यह भी भगवान ने संकेत किया, ये तुम्हारे पितामह हैं, दादा हैं भीष्म पितामह, ये तुम्हारे गुरु हैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं, ये तुम्हारे मामा शल्य हैं, वो वहां खड़े हैं, ये है वो है, तुम्हारे सारे बहनोई यहां खड़े हैं, साले खड़े हैं, तुम्हारे संबंध ये सब दिखाए भगवान, अपनी अंगुली से दिखा रहे हैं। श्रीमद अंगुल्या दर्शयति, टीका मैंने कहा अपने सुंदर अंगुली से दिखा रहे, जिस उत्साह के साथ अर्जुन देख रहे थे, और देखते ही स्वजनों को उत्साह ठंडा हो गया, और वे स्वयं कहते हैं दृष्टवे वम स्वजनम कृष्ण जुजुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशिष्य। अपने स्वजनों को यहां देख करके और ये सोच करके कि ये मर जाएंगे, हमारे सारे शरीर में पीड़ा हो रही है, हमें हमारा मुख सूख रहा है, बोलने की शक्ति नहीं। अंत में अर्जुन ने कहा कि नच स्वप्नम अवस्था, तो मैं खड़ा नहीं रह सकता यहां,
मुझे खड़ा रहने की शक्ति नहीं है। जब खड़ा रहने की भी शक्ति नहीं है तो लड़ेगा क्या, सोचने की बात है ना। और यह सारा क्यों हो रहा है, अपना विचार उन्होंने दे दिया कि अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता बयन, हम लोग महापाप करने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान को ऐसे कहना कि आप महापाप कराने जा रहे हैं, आप भी इतना विद्वान पढ़े लिखे होकर के भी महापाप में प्रवृत्त कर रहे हैं, यही है अर्जुन का ज्ञान। कुमति भीष्म पितामह इसको कहते हैं, वो तो भगवान के हाथ की कठपुतली है, जैसा कृष्ण कहते हैं वो करना उनका स्वभाव था। लेकिन थोड़े काल के लिए अब अपनी बुद्धि मन मना भाव के बदले स्व मना भाव हो गए थे, ये सोचते हैं कि अब युद्ध करना पाप है, ये है वो है, तो विशिद्ध स्वशरम चापम सुख संभिन्न मानस, अंत में चाप धनुष और बाण तरकस फेंक दी और पीछे बैठ गए रथ के पीछे, जहां रथी का स्थान होता है वहां नहीं, नीचे रथ पर बैठ गए और विशाल में हो गए, नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, अपने स्वजनों को मार करके हम कैसे सुखी होंगे। तो अर्जुन सोच रहे थे कि कृष्ण कहेंगे हाँ ठीक है बहुत अच्छा विचार, अहिंसक विचार आ गया तो बहुत अच्छा है, शायद अर्जुन सोचते होंगे कि भगवान समझाएंगे ठीक है ठीक बहुत अच्छा है, नहीं छोड़ो युद्ध नहीं होगा आराम से खड़ा हो चलो। भगवान ने ये बात सुनते ही अर्जुन से कहा कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, अरे तुम्हारे अंदर एक कचरा कहां से आ गया है तुम्हारे मन में, कस्मलम इस प्रकार का दुर्विचार कहां से आ गया, अनार्जुष्टम ये अनार्जों का विचार होता है, आर्जों का विचार नहीं होता है, अनार्जुष्टम अस्वर्गम, और युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें उच्च लोक नहीं मिलेगा स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हारी गति भी ठीक नहीं होगी, और इस लोक में भी अकीर्ति कर्म अर्जुनम तुम्हारी अकीर्ति होगी अपजस होगा, तुम्हारा विपक्ष कहेगा कि सेना को सजी हुई जब देखा तो दया का बहाना बनाकर अर्जुन निकल गया युद्ध से, तुमको लोग बहुत थूकेंगे तुम पर थूकेंगे तुमको बुरा कहेंगे, अरे कायर था सेना को देखते ही भाग चला, दया का बहाना बनाया कि अपने स्वजनों को कैसे मारूंगा, क्लेब्यम मास मगम पार्थ नैतक पैप पद देते, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, हिंजड़ा मत बनो, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, तुम अपना इतिहास देखो तुमने किस तरह से युद्ध किया है, तुम कौन हो, क्षत्रिय हो ना। ये सुनते हैं अर्जुन का कथम भीष्म महम संख्य द्रोणम च अरिसूदन, अर्जुन तर्क करते हैं आप भी तो अरिसूदन है ना, आप तो अब तक अपने शत्रुओं को मारे हैं ना कि अपने गुरु को मारे हैं, हमको कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, इस तरह से अर्जुन बोल रहे हैं। अरिसूदन शब्द ये ध्वनित कर रहे हैं कि आप शत्रु सूदन है ना, शत्रुओं को मारे हैं ना, क्या आप अपने संदीपनी गुरु को मारेंगे, गर्गाचार्य को मारेंगे, कभी सोच सकते हैं मारने का, मैं भीष्म पितामह पर कैसे बाण चलाऊंगा, द्रोणाचार्य पर कैसे बाण चलाऊंगा जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जिनकी गोदी में मैं पला हूं बड़ा हुआ, ऐसे भीष्म पितामह पर मैं कैसे बाण चलाऊंगा। तब भगवान ने कहा अर्जुन और भी बात कहे कि मुझे तीनों लोगों का राज्य मिले तब भी मैं स्वजन के गुरुजनों के खून से सने हुए इस राज्य को नहीं लेना चाहता, लेकिन भिक्षा मांग करके जी जाऊंगा ये ठीक है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तब क्या किया जाए,
तो युधिष्ठिर महाराज से कहा जाए कि अनाउंस कर दीजिए कि युद्ध नहीं होगा, तो चला जाए ना। ठीक है, रथ को सजा करके लाए हैं, तब चला जाए हस्तिनापुर में, अब खाया पिया जाए, कुरुक्षेत्र से चले आप। ठीक है, तुम्हारा विचार रहा, तुम कहते हो युद्ध करना पाप है, तो सब बताया जाए ना, युधिष्ठिर महाराज को सबको बताया जाए, भीमसेन को, और सबको अनाउंस कर दिया जाए कि ठीक है, अर्जुन कह रहे हैं कि पाप है युद्ध करना, तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार युद्ध बंद हो रहा है। तो अर्जुन अंत में कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्ध चेत। वास्तव में मेरा क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, इस विषय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब अपने को मूर्ख समझने लगे। वास्तव में कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध युद्ध रोक देना आसान नहीं था अर्जुन के लिए। अर्जुन पूर्ण समर्पित व्यक्ति थे, भगवान के पार्षद थे। तो मेरी बुद्धि सम्मूढ़ हो गई है, धर्म के विषय में मुझे कुछ समझ नहीं रहा। तो कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छा मित्वाम धर्म समुद्ध चेता, जच्छ्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितल में शिष्य स्थे हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मेरा हित जिसमें है, जच्छ्रेय स्यात् निश्चित करके, मेरी भलाई किसमें है निश्चित करके आप बोलिए। तो भगवान ने कहा क्या बोले, इतना फिलॉसफी झाड़ रहे हो तो क्या बोले। तो नहीं बोलिए, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। तो मित्र के पद से उतर गए, फ्रेंड बने थे। पहले कह रहे थे पाप है, ऐसे है, ये है, वो। अब कहते मैं आपका शिष्य हूं, साधिमान ताम प्रपन्न, मैं आपके शरण में हूं, और आप मुझको सिखाइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। भगवान कह दिए होते उसी समय कि ठीक है युद्ध करो, और अर्जुन युद्ध किए होते तो संसार को यह दिव्य ज्ञान भगवद गीता कैसे प्राप्त हो। तो भगवान गुरु का पोजीशन ले लिए, पहले सेवक थे, सारथी थे, अर्जुन के सेवक थे भगवान, सारथी का काम कर रहे थे। सदगुरु का पद लेकर के प्रवचन चालू किए। तो मैं ये कह रहा था कि अर्जुन के अधीन है भगवान, और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। तो श्री कृष्ण कृतज्ञ हैं, वदान्य हैं, भक्तवत्सल हैं और समर्थ हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को कह पंडितस तदपरम शरणम समीयात, कौन ऐसा विद्वान होगा जो त्वत अपरम आपको छोड़कर के अन्य की शरण लेगा। अगर अन्य की शरण लेता है तो वह ना समझ व्यक्ति है, वो कृष्ण की महिमा को नहीं समझ रहा है। अगर पंडित है, कह पंडितस तदपरम शरणम समीयात, कौन पंडित व्यक्ति आपके अतिरिक्त अन्य की शरण लेगा। भक्त प्रियात रित गिरह सुहृद कृतज्ञ, आप भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं, आप अपने वचन को पूरा करते हैं, रित गिरह, और सबके अकारण हितैषी हैं, और थोड़ी सी सेवा को बहुत ज्यादा बढ़ा करके देखते हैं। अगर कोई सरसों के बराबर कृष्ण की सेवा करता है तो उसको भगवान सुमेरु पर्वत जैसा देखते हैं, इसने बहुत किया। सुदामा जी अपने घर से ले गए थे पुराने कपड़े में बांध करके, चार मुट्ठी चिवड़ा ले गए थे, भागवत में लिखा है चार मुट्ठी। तो श्री भगवान स्वयं ही मांगे उनसे, सुदामा जी उम्र में बड़े थे, तो भगवान ने कहा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर उपहार भेजा होगा। ये सुनकर के सुदामा जी उस पोटली को और छिपाने लगे। वो तो पत्नी ने दिया था तो ले लिए थे, लेकिन वहां जाने के बाद देने की हिम्मत नहीं पड़ी। जैसा रूखा चिवड़ा जिसे श्रीकृष्ण का मसूड़ा छिल जाएगा, दांत में चोट लग जाएगी खाने में,
इसलिए वो सोचते हैं, सोचने लगे देना ही नहीं है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान जो जानते हैं, तो सुदामा जी सिपाने लगे। भगवान कहते हैं मेरी भाभी ने मुझे जरूर दिया होगा कुछ न कुछ। तो सुदामा जी ना नहीं कहे, छिपा रहे थे। तो भगवान ने कहा कि ये क्या है। तो सुदामा जी देना नहीं चाहते थे, भगवान ले लिए जबरदस्ती। लिए तो वो पुराना कपड़ा था, फट गया और चिवड़ा बिखर गया नीचे फर्श पर। भगवान उसी को उठा करके खाने लगे। सूखा चिवड़ा था, उठा करके खाने लगे तो प्रिया जी ने मना किया। रुक्मिणी जी ने, ये आपके खाने की चीज है। वो सोचने लगी जीभ मसूड़ा दांत में, दांत खराब हो जाएगा, इतना कोमल मसूड़ा है, इतना कोमल दांत, और ये क्या खा रहे हैं। तो उन्होंने बांह पकड़ ली, मत खाइए, तो पत्नी का अधिकार होता है, तो गलत चीज खा रहे हैं तो मना करेगी ना, हिम्मत खाइए मत खाइए। लेकिन भगवान खाते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान उनको बहुत साम्राज्य दे देते, वैकुंठ दे देते देते, तो इसीलिए रुक्मिणी जी ने मना किया। ये सब फालतू बात है। रुक्मिणी जी ने मना किया इसलिए कि कृष्ण के मुख में, कोई मसूड़ा में, दांत में चोट न लग जाए इसको खाने से, इसके लिए मना किया। पर भगवान खा रहे थे। भगवान कहे भी है, कवि ने कहा है कि हमने बहुत जगह खाया पर लाऊ रख के चाऊ रख के पाई ना मिठाई, ऐसे वो कहे हैं पद में। आपका ये चावल जितना मीठा लग रहा है, इतना मीठा मुझे और भोग नहीं लगा। इसको कहते हैं कृतज्ञ। और भगवान ने सुदामा जी को दिया क्या, उनके अनजान में ही, उनको बताया नहीं कि हम आपको इतना दे रहे हैं, इतने कुछ नहीं बताया। और द्वारका जैसा महल, अपने भवन जैसा भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा जी को हिंट करके बना दिया। सुदामा जी जब घर लौटे तो उनको भ्रम हो गया कि मैं फिर द्वारका लौट आया क्या, क्योंकि वो जो उनकी फूस की झोपड़ी थी वो तो वहां थी नहीं, उसको हटा कर फेंक दिया गया। फूस की झोपड़ी नहीं थी, बहुत ऊंचा महल, बहुत दिव्य वृक्षों से युक्त पार्क वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा। वे सोचने लगे सुदामा मंदिर देख डरी, सुदामा जी घर देखकर डर गई कि कौन बिल्डर आ गया, कौन राजा आ गया यहां दखल कर लिया है। सोच रहे थे तब तक लक्ष्मी जी के समान सुंदरी उनकी पत्नी आई, सारा भूषण पहने हुए, वस्त्र बहुत सुंदर, देह बहुत अच्छा हो गया था, जो खाने बिना देह टूटा हुआ था। भगवान की कृपा से ऐसा लिखा गया है भागवत में, लक्ष्मी जैसा सुंदरी हो गई। जब अपनी सखियों के साथ आई सुदामा जी की आरती करने के लिए, तब ये पहचाने कि हाँ ये अपना घर है। तो पहले तो भ्रम में पड़ गए। तो भगवान ने दो चार मुठ्ठी चावल को, चावल पाए तो उसका इतना एहसान माने। और बाद में जो भगवान अपना धाम देंगे वो तो अलग बात है। प्रत्यक्ष दिया गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान कृष्ण पर मजाक करते हैं। वे एक पद में लिखे हैं कि वास्तव में विचार किया जाए तो श्रीराम बहुत दयालु है, वे कहते हैं। तो श्रीराम ने विभीषण जी को दिया लंका का राज्य। पहले तो शिव जी से तुलना करते हैं, शिव जी वो लंका का राज रावण को दिए थे, तो मस्तक काट करके दिया था तब लंका का राज दिए थे। भगवान शिव दिए थे। अब बेचारा रावण जब मस्तक काट करके नमः शिवाय कहकर हवन किया तब लंका का राज दिए। वो भी 10 बार काटा था,
दस बार मस्तक काट काट कर हवन किया था तो उसे उन्होंने दस मस्तक दे दिया भगवान शिव ने और लंका का राज दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए दशमात सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ, उसी संपत्ति को भगवान विभीषण को दे दिए केवल मस्तक झुकाने से प्रणाम करने से। शिव जी दिए तो काट करके मस्तक दिया गया था और विभीषण जी ने केवल मस्तक जो झुकाया और भगवान ने वो दे दिया था। तो भगवान कृष्ण के साथ तुलना करते हैं, मजाक कर रहे हैं, दोनों में तो भेद बिल्कुल नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान सुदामा जी को धन दिए लेकिन आखिर चार मुट्ठी चिवड़ा लेकर के लेकिन श्री राम जी कुछ भी नहीं लिए, रावण लात से मार करके विभीषण को भगा दिया था तो विभीषण जी कोई फल वल भी नहीं ले पाया। पीछे से लगाया था खुफिया कि कुछ ले ना जाए, छूछे हाथ आए थे, खाली हाथ आए थे, पर भगवान ने भेंट होते ही सबसे पहला रिवार्ड दिया लंका का राज, कहूं लंकेश सहित परिवार आ कुशल कुठा हर वास तुम्हार। लंकेश कहा कि हे लंका के राजा कैसे हो, लंका के राजा विभीषण जी नहीं थे, लंका का राजा रावण था, लेकिन भगवान ने भविष्य की सूचना कर दिया तुम लंका का राजा बनोगे। और रामो द्विर्ण भाषते, राम दो वचन नहीं बोलते, एक बार जो मुख से निकल गया निकल गया। तो भगवान ने रावण का वध करके विभीषण जी को लंका का राज दिया, यह है कृतज्ञ। थोड़ा शरण में आने पर भगवान ने इतना आदर किया। तो अक्रूर जी इसी बात को कह रहे हैं, कौन ऐसा पंडित है जो आपको छोड़कर के किसी और का भजन करेगा। कह पंडितस्तदपरम शरणम समीया भक्त प्रिया ऋतगिरह सुहृदो कृतज्ञा सर्वं ददात सुहृदो भजता भजतो भी कामान आत्मानम अपि। भजन करने वाले को भगवान अपने को भी दे देते हैं और भगवान में उपचय अपचय नहीं है, अपने को दे दिए, मान लीजिए किसी भक्त को दे दिए तब किसी दूसरे भक्त को नहीं दे पाएंगे अपने को किसी के अधीन, ऐसा नहीं है। भगवान लाखों भक्तों के अधीन हो जाएं, दे दें फिर भी उनमें कोई अपचय नहीं है। अपचय का अर्थ है कोई क्षति नहीं, व्यय नहीं है, और कोई उनको दे कुछ तो उपचय नहीं है। वृंदावन सुन रहे हो ना, अपने पिता की परंपरा का पालन कर रहे हैं। इतनी कृपा है कि खड़ा नहीं करा रहे हैं क्योंकि कृपालु की कथा कह रहे हैं भगवान कृष्ण की। भगवान ने सब कुछ देते हैं, अभिमतान अभिमत और यहां तक कि आत्मानम अपि, अपने को भी दे देते हैं। क्या देने पर, केवल उनका नाम लेने पर, तुलसी का पत्ता दे दिया जाए तो अपने आप को दे देते हैं। ऐसे कौन स्वामी है बताइए, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस तरह से करे। सुमिरि पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे राम। नाम का उच्चारण करके जप करके श्री हनुमान जी अपने बस में राम को किए हैं, मतलब राम जी स्वयं उनके बस में है, कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं किए हैं। नाम लेने से भगवान बस में हो जाते हैं। ये है स्वामी, ये है आराध्य इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं के स्वरूप श्री राम या श्री विष्णु है, अन्य भी बहुत से अवतार हैं भगवान के। तो कौन ऐसे पंडित होगा जो कृष्ण को छोड़कर अन्य का भजन करेगा। भगवान ने अनेक भक्तों के पास हैं, जैसे मां यशोदा की गोद में है, मां कौशल्या की गोद में है,
इसके साथ साथ वे अनंत कोटि भक्तों के गोद में रह सकते हैं, उनमें कोई अपचय नहीं है। अपचय का अर्थ होता है छीण हो जाना, घट जाना या नष्ट हो जाना। इस घर में प्रकट हो गए तो वैकुंठ खाली हो गया, ऐसा नहीं है। वे यहां भी रहते हैं, सबके हृदय में है। यहां आते हैं तो कोई ये ना सोचे कि वैकुंठ खाली होता होगा और लक्ष्मी जी प्रतीक्षा करती होंगी कि कब आएंगे कब आएंगे, ऐसा नहीं है। तो अक्रूर जी कहते हैं जिसका उपचय और अपचय नहीं है, कोई भगवान को कुछ दे दिया तो कोई बहुत धन बढ़ नहीं गया उनका। समुद्र में हजारों नदियां गिरती हैं लेकिन समुद्र जैसे के तैसे रहते हैं। और भगवान किसी को बहुत धन दे दें, वैकुंठ दे दें, ध्रुव लोक दे दें, ये राज वो राज, उनका कोई घटने वाला नहीं। इसको उपचय और अपचय कहते हैं। उपचय और अपचय जिसका नहीं है, ऐसे प्रभु को छोड़कर कौन दूसरे का भजन करेगा। विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्व त्यजी भजे तते उद्धव प्रमाण। यदि बुद्धिमान व्यक्ति को, विद्वान को कृष्ण की विशेषता का ज्ञान होगा, कृष्ण के गुणों का ज्ञान होगा, तो वह सर्व छाड़ी भजे तत्व उद्धव प्रमाण, सब कुछ छोड़ करके सर्वस्व त्याग करके कृष्ण का भजन करता है। सबका त्याग करके और सब कुछ त्याग करके कृष्ण का भजन करता है। यदि उसको कृष्ण के गुण का ज्ञान हो जाए तो कृष्ण के अनंत गुण है, अनंत विशेषताएं उनकी। तो वही उद्धव जी भी यही बात कह रहे हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्याय दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो, ये बात विदुर जी से जमुना के किनारे वृंदावन में बैठकर श्री उद्धव जी कह रहे हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो कितनी आश्चर्य की बात है, भगवान कितना कृपालु है, कितना दयालु है कि असाध्वी दुष्टा राक्षसी बकी पुतला अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके उनको मारने गई थी, जिघान से आ उनकी हत्या करने के उद्देश्य से गई थी, और इसी उद्देश्य से उसने अपना स्तन कालकूटम कालकूट लगा हुआ कालकूट विष से युक्त स्तन को अप्यायत पिलाई, और इस पर भी अपी ऐसा होने पर भी भगवान ने उसको धात्री उचित गति दिया, जो मां जसोदा का पद है उसी के समक्ष उनकी धाय का पद है, जो कृष्ण का पालन करती है, दूध पिलाती है, नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, उसको धाय कहते हैं। धाय की जो गति होनी चाहिए वह गति भगवान ने पूतना को दिया। कौन पूतना? जो असाध्वी बकी राक्षसी थी और जिघांसया अप्यायत, जिघांसा के लिए हत्या के लिए कृष्ण को दूध पिलाए थे, दूध नहीं पिलाए थे, कालकूट जहर पिलाए थे, फिर भी भगवान ने उसको माता की गति दिया। उद्धव जी कहते हैं कि ऐसा कृपालु ऐसा दयालु कौन है जिसकी मैं शरण लूं। भगवान के विरह में वे रो रहे हैं। सब बातें याद आ रही थी कृष्ण के विषय, कृष्ण के साथ ही रहे थे, वे भगवान के मित्र और मंत्री थे। तो उद्धव जी ये बात कह रहे हैं। अतः भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विद्य जनर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्व छाड़ी भजे नहीं सर्व त्यजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। ये उद्धव जी प्रमाण है, ये उद्धव जी का वाक्य। शरणागत अकिंचनर यही तो लक्षण तार मध्य प्रवेश है आत्मसमर्पण। शरणागत अकिंचन भक्त का यही लक्षण है कि उसमें आत्मसमर्पण प्रवेश करता है, सब तरह से
षडविध शरणागति स्वीकार करता है भगवान का। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्य विवर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं ध्रुवम् आत्मविक्षेप कार्पणे षड्विधा शरणागति। छह प्रकार की शरणागति है। शरणागति पहला है आनुकूल्यस्य संकल्प, कृष्ण के भजन में जो अनुकूल है, सहायक है, उसी का वो संकल्प करता है, वही काम करता है। इस शरण में आए हुए का लक्षण कृष्ण के अनुकूल, भजन के अनुकूल जो कुछ है उसको स्वीकार करता है, संकल्प करता है, और भजन के विरुद्ध जो है उसको विवर्जनम, प्रतिकूल्य विवर्जनम, प्रतिकूल को स्वीकार नहीं करता है। संकल्प कहते हैं मन में कुछ सोचता है या व्रत करता है, करता है तो अनुकूल से संकल्प, यह विचार, यहां जाना, उससे मिलना, ये करना, वो करना, ये कृष्ण की भक्ति में सहायक है तो उसको जरूर करता है। इस व्यक्ति से मिलने में यदि मेरी भक्ति में उन्नति होगी, कृष्ण में प्रेम बढ़ेगा, तो उस व्यक्ति का संग, उस स्थान का संग, उस वस्तु का संग्रह या कुछ भी करता है, और जिसके संग से, जिन विचारों से, जिस गोष्ठी से, समाज से, कृष्ण से प्रीति हटती है, भजन में बाधा पड़ती है, तो उससे वो बचता है। तीसरा नागत का लक्षण अनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य विवर्चनम रक्षी सती थी विश्वास हो गोत्रित्व वर्णन ध्रुव, श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे इति विश्वास। शरणागत का लक्षण भगवान रक्षा करेंगे। भक्त को अपने शरीर का बल, अपने स्वजन का बल, धन का बल, अस्त्र बल, ये सब नहीं रहता है, वो इस पर भरोसा नहीं करता है। हो सकता है उसके पास से सब कुछ हो, लेकिन इस पर वो विश्वास नहीं करता है। विश्वास केवल कृष्ण पर आता है, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, रक्षिष्यति इति विश्वास, कृष्ण रक्षा करेंगे, इस तरह का विश्वास। जैसे छोटे बच्चे को विश्वास रहता है कि मां हमारी रक्षा करेगी, सब तरह से निश्चिंत रहना, वैसे कृष्ण रक्षा करेंगे किसी भी विपत्ति से, किसी भी संकट से, अर्थाभाव से या शारीरिक विपत्ति हो, कोई रोग हो, कुछ हो, उसको विश्वास होता है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, सहज विश्वास। और गोपतृत्व वर्णम ध्रुवम, कृष्ण ही हमारा पालन करेंगे, करते हैं, ये भी अपने गुप्ता के रूप में, अपने पालक के रूप में कृष्ण को स्वीकार करना है। गोपतृत्व वर्णम, वर्ण करना है, अनेक लोग पालन करने वाले हैं, लेकिन भक्त जो शरणागत है यही मानता है कृष्ण ही हमको पालेंगे, पोसेंगे, जो हमारे लिए जरूरी है उनका वर्ण करता है। वर्ण का अर्थ ये है कि कई लोग पालक हैं, लेकिन उसमें से चुनता है कि कृष्ण हमारे पालक, अब तक वही पालन किए हैं और इस समय भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, भक्त को चिंता नहीं होती है, सहज विश्वास होता है। एक बार गोपीनाथ पटनायक को महाराज प्रताप रुद्र का लड़का फांसी पर चढ़ाने जा रहा था, तो सब लोग आकर चैतन्य महाप्रभु से गुहार किए, करीब राजा को समझा दीजिए, प्रताप रुद्र को डांट देंगे, अपने लड़के को फांसी पर नहीं चढ़ा पाएगा। तो आकर के सब कह रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहे हम सन्यासी हैं, हम क्या करें, और जो राजा का धन खाया है तो राजा उसको दंड देगा, फल पाएगा, हम क्या करें। तो कुछ लोग भक्त दौड़ दौड़ के आते थे बीच बीच में, अरे अब पकड़ करके ले गया है, चांग पर चढ़ा दिया है, ये किया है, वो किया है, भाग भाग कर आते थे, चूंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। कई लोग आते थे,
आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए, केवल आप थोड़ा कह देंगे महाराज प्रताप रुद्र से तो सारा काम हो जाएगा, कहने का आशय। जब उन्होंने इस तरह से कहा कि आप रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे, हम सन्यासी, हमारे पास आकर के सब बात मत करो, ऊपर से तरफ व्रत दिखा रहे थे, मैं सन्यासी हूं और हमें अपना दुख सुना सुना करके तुम लोग हमको क्यों दुखी करते हो, इस तरह से बोले। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, आप इतना उदासीन मत बनिए, राय रामानंद आपके भक्त हैं और उन्हीं के भाई हैं गोपीनाथ पटनायक, आप इतना उदासीन मत बनिए। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जाकर जगन्नाथ जी से कहो, जगन्नाथ जी से कहिए, वे रक्षा करेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि जगन्नाथ जी तो आप ही हैं, आपसे हम कह रहे हैं, अब आपके लिए तो भगवान कहे तो ठीक है, अब तक जो बचाए हैं बचा लेंगे। अब तक कौन बचाया? जगन्नाथ जी बचाए हैं ना, कृष्ण बचाए हैं, तो कृष्ण का धन कम नहीं हो गया, कृपा कम नहीं हो गई, कृष्ण किसी हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटलाइज नहीं है, ठीक है, तो अब तक जो पालन किए हैं वो आगे भी करेंगे ना, गर्भ से पालन करके लाए, बच्चा थे हम लोग, गर्भ में कुछ भी ध्यान नहीं, ये गर्भ कोई जीने की स्थान, जीने का स्थान है, आश्चर्य है कि बच्चा कैसे नहीं मरता है, गर्भ में भगवान रक्षा करते हैं, तो गर्भ में रक्षा करते हैं तो जगन्नाथ जी आज भी हैं, आज भी हैं, जाकर जगन्नाथ जी से कहिए, ये कहिए, वो कहिए। इसके बाद तुरंत सुना गया कि उसने छोड़ दिया, राजकुमार ने इनको छोड़ दिया, गोपीनाथ पटनायक, और छोड़ दिया, और इसके बाद सुना गया कि रिवार्ड मिला इनको कि अब आप राजकार्य मत कीजिए, जितना वेतन आपको मिलता था उस पद पर रहने में उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, थोड़ा भी कम नहीं होगा, और कई चीज बढ़ा दिया गया था महाराज प्रताप रुद्र से मिलकर के। तो इस तरह से कृपा होती है, तो भगवान वास्तव में पालन करते हैं, पर गोपतृत्व वर्णम अपनी अपने पालक के रूप में, रक्षक के रूप में कृष्ण को वर्ण करना चाहिए, कृष्ण चाहते हैं कि हम पर विश्वास करें, हमको अपना चुने, मैं पालन करता हूं, तो ये शरणागत का लक्षण है, आत्मनिक्षेप कार पाणे, आत्मनिक्षेप का अर्थ है अपने आप को भगवान में डाल देना, आत्मनिक्षेप इसको कहते हैं, जैसे कोई कहीं से पशु खरीद करके ले जा रहा है तो बेचारा पशु मेला से जो खरीदा है उसके साथ चला जाता है, वो चिंता नहीं करता है कुछ, अपने को उसके अधीन रखा है, कहां खिलाएगा, गौत डालेगा, क्या करेगा, बेचारा सोचता नहीं है, ऐसा नहीं है कि चिंता से एक बंडल घास ले ले अपने पर, चिंता करे, चलेंगे तो खाएंगे, चला जाता है। वैसे ही कृष्ण की शरण में रहना है, आत्मसमर्पण, सब कुछ, अपना जो कुछ है, अपना धन, अपना शरीर, अपनी पत्नी, अपना बच्चा, अपना घर, सब कुछ कृष्ण का है, इसको आत्मनिक्षेप कहते हैं। मानस देह गेह जो किछु मोल, अरपि नुतुआ पदे नंद किशोर, ये सब कुछ नंद किशोर को अर्पित है, आत्मनिक्षेप, अपनी कभी चिंता नहीं। और कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ है कि दीनता, हमेशा दीनहीन रहना, ये भाव रखना कि मैं दीन हूं, पतित हूं, भगवान हमारे सब कुछ है, तो इस प्रकार के शरणागति होती है।
तवास्मृति बदन वाचा तथैव मनसाचरण तत्स्थानम आश्रित स्तन्वा मोदते शरणागत। हरि भक्ति विलास ग्रंथ में सब आया है। वचन से हमेशा भक्त यही बोलता है, तव अस्मि, मैं आपका हूं, हे कृष्ण मैं आपका हूं। इति वदन वाचा, वाणी से कहता है कि हे कृष्ण मैं आपका हूं। तथैव मनसाचरण, और मन में भी यही सोचता है कि मैं कृष्ण का हूं। वचन से कहता है हे कृष्ण मैं आपका हूं, और मन में सोचता रहता है मैं कृष्ण का हूं। और तत् स्थानम आश्रित, और उन्हीं के स्थान में रहता है, उनके यहां ही पड़ा रहता है, वृंदावन में पड़ा रहता है या मंदिर में पड़ा रहता है। तत् स्थानम आश्रित, श्री कृष्ण के स्थान में रहता है। तो इस प्रकार मोदते शरणागत, बिना दुख के रहता है, कोई गम नहीं रहता है, बेगम रहता है। ये बड़े बड़े बादशाह होते थे तो उनकी पत्नियों को बेगम कहा जाता था, जिसको कोई गम नहीं, दुख नहीं है, उसको बेगम कहा, कोई चिंता नहीं। इस तरह से भक्त मोदते सुख में रहता है, वाणी से भगवान का कीर्तन, मन से स्मरण, और भगवान के स्थान में भक्तों के बीच में रहता है, सब मोदते हैं, मोद मोद में रहता है। शरण लैया कृष्ण करे आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे तत्काले करेन आत्मसम। कृष्ण की शरण लेता है जिस दिन व्यक्ति, शरण लैया कृष्ण करे आत्मसमर्पण, शरण में जाकर जब आत्मसमर्पण करता है कृष्ण को, तो कृष्ण तारे तत्काले करे आत्मसम, उसको उसी समय अपना बना लेते हैं कृष्ण। जिस दिन समर्पण करता है उसी दिन अपना बना लेते हैं, अपना नहीं अपने समान बना लेते हैं। सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, ये लोक में भी हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कहीं कोई लड़की है, कन्या है, और उसका विवाह किसी से होता है, किसी बड़े व्यक्ति से, और उसकी जो टाइटल है, पति की जो टाइटल है, विवाह के बाद तुरंत ही उस कन्या को भी वही टाइटल मिलती है। अगर मान लीजिए कन्या का टाइटल पिता के यहां से है तिवारी, और विवाह हुआ मिश्रा के पास, तो तुरंत उस कन्या का टाइटल बदल जाता है, मिश्रा हो जाता है, और पति के समान होती है, भले वो गरीब घर की हो या कुछ भी हो, लेकिन पति के समान हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण तो हैं सर्वेश्वरेश्वर, ब्रह्मा आदि के आराध्य, सब कुछ, लेकिन जब भक्त श्रीकृष्ण को समर्पण करता है तो श्रीकृष्ण उसे आत्मसम बना लेते हैं, वैसा ही चिन्मय, वैसा ही ऐश्वर्य देते हैं, अपना धाम देते हैं। कोई ये भेद नहीं करते हैं कि नया ज्वाइन किया आया है, इसको थोड़ा वैकुंठ में कोई इंफेरियर सेवा दो, ये दो, इसको यहां से हटाओ, ये कभी भगवान नहीं सोचते। आत्मसम अपने समान कर लेते हैं। पहले के जो वहां नित्य सिद्ध परिकर हैं, पार्षद हैं, और साधन सिद्ध कोई परिकर जाता है, तो वे लोग तो प्राण के समान मानते हैं, कोई भेदभाव वहां नहीं है, सभी भगवान में अभिष्ट रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इस संसार में बहुत भेदभाव है, बहुत भेदभाव, श्री कृष्ण उसे अपने समान कर लेते हैं। मर्त्यो जदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतो मे तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। स्वयं भगवान इस बात को कह रहे हैं कि जब कोई मरण धर्मा, मरणशील, जो जिसका मरना स्वभाव है,
वो मनुष्य जब त्यक्त सर्वधर्म सब धर्म छोड़ करके कर्म छोड़ करके निवेदित आत्मा मुझे समर्पण करता है और मेरी सेवा करना चाहता है, विचिकित्सतों में मेरे बारे में जानना चाहता है, सेवा करना चाहता है, तो तदा अमृतत्वम प्रतिपद्य मानो, तो वह अमृतत्व को प्राप्त होता है, उसे नित्य जीवन मिलता है। नित्य जीवन मतलब पार्षद का शरीर वैकुंठ धाम मिलता है। मया आत्म हुआ सकल्पते वही, और वह मेरे समान हो जाता है। मया आत्म हुआ मेरे साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं रहता है उसका। भगवान अपने सेवकों के साथ कोई दूरी का व्यवहार नहीं करते हैं। भगवान जो गहना पहनते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, वही वस्त्र सब पार्षद लोग पहनते हैं। केवल अंतर इतना ही रहता है कि भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह रहता है और एक और है कौस्तुभ मणि जो समुद्र मंथन से मिला था वो रहता है। तो यही भर अंतर है, बाकी सारा गहना या भूषण और भगवान जैसा ही सुंदर, उनके जैसे चतुर्भुज चार भुजाएं वैकुंठ में और गोलोक में तो द्विभुज, कोई भेदभाव नहीं। इसको आत्मसम कहते हैं, भक्ति का ये प्रभाव होता है। तो एवे साधन भक्ति लक्षण सुना सनातन, जहां है ते पाई कृष्ण प्रेम महाधन। हे सनातन, बनारस में भगवान चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट पर सिखा रहे हैं सनातन गोस्वामी को। हे सनातन, अब साधन भक्ति का लक्षण सुनो। कौन कौन साधन भक्ति है? जिस साधन भक्ति से कृष्ण का प्रेम रूपी महाधन मिलता है उसको सुनो। भक्ति रसायन सिंधु में आया है, कृति साध्या भवेत साध्य भावा यशा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। अब प्रेम के विषय में बात की जा रही है कि भक्ति करनी है साधन, क्या प्राप्त करने के लिए? जैसे कोई खेती करता है तो क्या प्राप्त करने के लिए? अन्न पैदा कर, अन्न चाहता है, अन्न चाहे खाए चाहे बेचे, खेती का ये है कि अन्न उत्पन्न होगा। ये साधन भक्ति किस लिए की जाती है? एक तो इसका साक्षात स्वरूप यह है कि कृति साध्या करने पर होता है, इंद्रियों से इसको किया जाता है, इसको कृति साध्य कहते हैं। साधन भक्ति इंद्रियों से की जाती है। भक्ति यह नहीं है कि चुपचाप बैठा रहे और कहे कि हम चिंतन कर रहे हैं। कृति साध्य इसको कहते हैं, कृति इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं उनके द्वारा की जाती है। इंद्रियों के द्वारा साधन भक्ति की जाती है और साध्य भावा, साध्य क्या है? भाव साध्य है, कृष्ण में भाव उत्पन्न हो जाए, ये साध्य है। इंद्रियों से भक्ति की जाती है वो साधन भक्ति है और उसका फल है भगवान में प्रेम होना, इसी को साधना विधा, साधन अभिधा, इसको साधन भक्ति कहते हैं। भाव कहां से मिलेगा? तो भगवान चैतन्य महापुरुष कहते हैं कि नित्य सिद्धस्य भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता। भाव नित्य सिद्ध है, जीव में स्वरूप से ही कृष्ण के प्रति प्रेम है, भाव है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। साध्य कभी न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदर, हृदय में जीव के साथ जो कृष्ण के प्रति प्रेम है यही है साध्य। साध्य है, लेकिन साध्य ये साध्य अजीब है, ये साध्य ऐसा जो है वर्तमान है लेकिन उसको केवल प्रकट करना है, नया कहीं से लाना नहीं है, ये अंतर है इस साध्य में। नित्य सिद्धस्य भावस्य, नित्य जो वर्तमान है जीव के साथ, जीव का ये स्वरूप है, स्वरूप को कभी किसी से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि का स्वरूप है दाहिका शक्ति, दाह है
दाहिका शक्ति को, जलाने वाली शक्ति को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता है, कुछ सोच भी नहीं सकता। अगर अग्नि में दाह न रहे तो अग्नि अग्नि है ही नहीं। इसी तरह से जीव से अगर कृष्ण का भाव, कृष्ण प्रेम माइनस कर दिया जाए तो जीव का जीवत्व ही खत्म हो जाएगा, वो है ही नहीं। उसका स्वरूप है कृष्ण के साथ प्रेम भक्ति। तो ये नित्य सिद्ध है। तो नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्य हृदय साध देता है। नित्य सिद्ध भाव हृदय में प्रकट हो जाए, यही साध्य है इस साधन भक्ति के द्वारा। नित्य जो प्राप्त है, सहित सिद्ध मतलब प्राप्त, वर्तमान जो भाव है, प्रेम है भगवान के प्रति, वह प्रकट हो जाए जिस साधन से, जिस उपाय से, उसको साधन भक्ति कहते हैं। तो श्रवण आदि क्रिया तर स्वरूप लक्षण, साधन भक्ति का स्वरूप है श्रवण आदि क्रिया, ये स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण और तथास्थ लक्षण होता है। साधन भक्ति का स्वरूप लक्षण बता रहे हैं कि श्रवण आदि क्रिया, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना, प्रणाम करना, अर्चन करना, भगवान को अपना सखा समझना, सेवा करना, ये इसका स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण है प्रेम। तटस्थ लक्षण उपजाए प्रेम धन। प्रेम जो है भगवान में, वो तटस्थ लक्षण है। जब आदमी श्रवण कीर्तन करेगा तो वाणी का गदगद होना, आंखों में आंसू आना, प्रेम होना, ये सब इसके तटस्थ लक्षण है। बताते हैं कि इस व्यक्ति में ये व्यक्ति भजन कर रहा है, भाव उग रहा है। तो प्रेम प्रकट होना, शरीर में विकार होना या मन में, ये इसका तटस्थ लक्षण है। पर स्वरूप लक्षण है सुनना, कीर्तन करना। कितना सुंदर बात भगवान बता रहे हैं, ये स्वरूप लक्षण है। तो इसको तो करना ही है। तटस्थ लक्षण तो अपने आप आएगा। जो प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए आप खाइए, तो खा लिए, पेट में स्वाद मिला, उस अन्न का, भोजन का स्वरूप लक्षण है, तृप्ति हो रही है, ठीक है। लेकिन डकार आना ये तटस्थ लक्षण है कि पेट भर गया है ना। डकार आना या कुछ भी ऐसे लक्षण देखेंगे जिससे पता चलता है कि इस व्यक्ति ने भक्ति किया है, भक्ति कर रहा है। भक्ति करने पर फल आएगा ही निश्चित, साधन भक्ति। तो श्रवण आदि क्रिया तर तटस्थ स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण उपजाए प्रेम धन। प्रेम ये तटस्थ लक्षण नहीं है। प्रेम के जो चिन्ह है भक्ति से जो उत्पन्न होते हैं, उसको तटस्थ लक्षण कहा गया है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। नित्य सिद्ध है, प्राप्त है कृष्ण प्रेम, साध्य नहीं है, कैसे नया नहीं लाना है, लेकिन ये प्रकट कैसे होगा हृदय में? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराए उदय। जब श्री कृष्ण के गुणों का श्रवण किया जाता है तो कृष्ण के प्रति वो अटैचमेंट जाग जाता है। वो तो है ही, केवल आवरण है, और उसको श्रवण आदि क्रिया द्वारा हटाया जाता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराए उदय। यही साधन भक्ति है द्वित प्रकार, एक विधि भक्ति, रागानुगा भक्ति आज। ये साधन भक्ति दो प्रकार की है, एक वैधि भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। रागहीन जने भजे शास्त्रे रव आज्ञाए, वैधि भक्ति बलि तारे सर्वशास्त्रे गाय। रागहीन, जिस व्यक्ति में राग नहीं है, अटैचमेंट नहीं है कृष्ण में, तो वह व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा से भजन करता है। यह गुरु की आज्ञा से, किसी की आज्ञा से, किसी काम से भजन करता है तो उसको वैधि भक्ति कहते हैं। विधि से, शास्त्र विधि के अनुसार भजन करता है। इसमें राग नहीं है वह जन, रागहीन जन भजे।
रागहीन जन भजे शास्त्रीय आज्ञा है। राग किसको कहते हैं? राग का अर्थ प्रेम तो होगा, राग का अर्थ होता है गाढ़ा शक्ति, हृदय की तड़प अपने आप। इस राग को लोक में भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक युवक एक युवती से प्रेम करता है, उनकी आसक्ति है, एक दूसरे का चिंतन करते हैं, मिलना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो उनके संबंध में प्रेरक कौन है? राग। कोई विधि नहीं है, कोई सरकारी कोई कानून नहीं है कि तुम दोनों को ऐसे प्रेम करना चाहिए। समाज शिक्षा देने नहीं जाता है, नहीं प्रेम करोगे तो तुमको ये दंड मिलेगा, ये मिलेगा, वो होगा, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बिना शास्त्र की आज्ञा, बिना सामाजिक आज्ञा के, बल्कि उनको रोका जाता है फिर भी नहीं मानते है ना। देखा जाता है संसार में, रोका जाता है, परिवार रोकता है, समाज रोकता है, फिर भी वे एक दूसरे से मिलना चाहते। तो इसी प्रकार से जब श्री कृष्ण में गाढ़ अटैचमेंट हो जाता है, कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता है, अपने आप जैसे ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं कि कृष्ण ईश्वर है, ये बहुत होनहार लड़का है, धनी है, ये है, नहीं, स्वाभाविक अपनी आसक्ति है, तो इसको राग कहते हैं। और इससे जो हीन है, जिसमें ऐसा राग नहीं है, उसके लिए वैधि भक्ति है। ये साधन भक्ति दो प्रकार से होती है। तो वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्र का है, इसको वैधि भक्ति कहते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यः च स्मर्तव्यः च क्षता भयम्। इसलिए हे भरतवंशी परीक्षित, भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य है, उन्हीं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तितव्यः च कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। चाहिए शब्द लग रहा है, इसलिए भजन करना चाहिए, इसलिए श्रवण करना चाहिए। किस लिए? इसके पहले चार श्लोक बोले हैं सुखदेव गोस्वामी, और एक श्लोक में कहते हैं कि रात कैसे बीतती है, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाय न चवावय दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे न। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। ये जीवन क्षणिक है, ये पुत्र स्त्री धन आदि सब जीव का साथ नहीं देते हैं, सब चले जाते हैं, छूट जाता है। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्य नपी न पश्यति, ये सब नष्ट होते हैं, ये होते हैं, और सुनने की बहुत चीजें हैं, बोलने की गाने की बहुत चीजें हैं, लेकिन आयु व्यर्थ जा रहा है दिन में बिना मतलब के काम करने में और रात को सोने में। चार काम में, दो काम में रात बीतती है, या तो सोने में या स्त्री संग में। निद्रया हिरेती नक्तम, रात्रि का जो टाइम है 12 घंटे का, वो बेकार चला जाता है, या तो सोने में, और नहीं तो जगा है तो सिनेमा देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो जगने से भी कोई फायदा नहीं, बेकार। और दिवाचार थे है या राजन कुटुंब भरणे नवा, और दिन में भी अर्थ ई है, यहां से पैसा कमाना, वहां से पैसा कमाना, इसमें दिन बीत जाता है। अथवा छुट्टी का दिन है, संडे है, धन नहीं कमा रहा है तो कुटुंब भरणे नवा, तो शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है परिवार के साथ। संडे को भी देखा जाता है कि कुछ लोग घूमने निकलते हैं, यहां खाएंगे वहां खाएंगे, घर में 6 दिन बना करके खाते हैं, एक दिन कहीं रेस्टोरेंट में खा लेंगे, इस तरह से घूमते हैं। जीवन जा रहा है, इसलिए जब जिस तरह से बेकार जीवन जा रहा है, तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, इसलिए सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर का भजन करना चाहिए, उन्हीं का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। और नहीं करने पर
बहुत बुरा होगा, क्योंकि वे ईश्वर हैं, दंड देंगे। नहीं कोई भजन करता है तो उसे नरक में पटकना, इधर उधर दुर्गति में भी जुनियों में डालना, ये समर्थ है, ईश्वर है। और ये भगवान है, परम सुंदर है, भजने लायक है और हरि है, सारा दुख हर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारा दुख हर लेते हैं, बहुत सुंदर हैं। ये तो भगवान शब्द से और हरि शब्द से व्यक्त किया जाएगा, और ईश्वर शब्द से सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि वे ईश्वर हैं, भजन नहीं करने पर खैरियत नहीं है। भगवान कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, नहीं बने तो फिर भगवान तो कोई काम नहीं करते हैं, उनके सेवक जमराज जी सब सिखा देते हैं। ये है शास्त्र की आज्ञा, विधि भक्ति पद, और इससे डर करके हम नरक में न चले जाए, हमारी दुर्गति न हो, हमारा टाइम बेकार बीत रहा है, हमें भगवान का भजन करना चाहिए, इस भाव से प्रेरित होकर के जो भजन करता है, तो ये है वैधि भक्ति, शास्त्र की आज्ञा से भजन करना। मुख बाहुर पाद भय पुरुषे शास्त्र में इस वो भी वाक्य है, तो वाक्य स्मर्तव्य सत्यम विष्णु विस्मर्तव्य न कदाचन सर्वे विधि निषेधा शिव रहते रहे वही किम करा। विष्णु का सदा स्मरण करना चाहिए, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, जितने भी विधि और निषेध है सब इसी के किम कर है, इसी के अधीन। तो सुनिए अब साधन भक्ति के अंग, यही अध्याय का सार है। विविधांग साधन भक्तिर सुनह विचार, संक्षेप कहिए किछु साधनांग सार। भगवान कहते हैं कि अब साधन भक्ति के अंगों को सुनो, कौन कौन साधन भक्ति है, मैं संक्षेप में कह रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे तो बहुत टाइम लग गया, चैतन्य महाप्रभु बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं। संक्षेप कहिए किछु साधनांग सार, साधना के जितने भी अंग हैं उसमें से सार चीज 64 अंग मैं बता रहा हूं, भक्ति के 64 अंग हैं उसको बता रहे हैं। गुरु पद आश्रय दीक्षा गुरु ल सेवन सब धर्म शिक्षा प्रीक्षा साधु मार्ग अनुगमन। पहला है गुरु पद आश्रय, भक्ति में ही जरूरी है गुरु पादाश्रय, गुरु के चरण कमल का आश्रय लेना। अभी विचार करने की चीज है कि गुरु कैसा है, क्या केवल और लोग गुरु बना रहे हैं तो मैं भी लाइन में लग जाऊं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु बनाना एक परम आवश्यकता है, फैशन नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अपने घर में कुत्ता रखा है, वो रखा है तो हम भी एक कुत्ता रख लें, इस तरह का एक गुरु बहुत बड़ी चीज है, उसका आश्रय उसके शरण में रहना। गुरु निश्चित संप्रदायी होना चाहिए, वैष्णवों के चार परंपराएं हैं, श्री संप्रदाय और एक है हम लोग जिसमें है वो है गौड़ीय संप्रदाय, इसको ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। ब्रह्मा जी इसके आचार्य हैं, बीच में श्रीपद मध्वाचार्य इसमें आए और बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु और फिर रूप गोस्वामी, इस तरह से हम लोगों की परंपरा है। तो चार प्रमाणिक परंपराएं हैं, एक परंपरा चालू किया श्री जी ने, लक्ष्मी जी ने, तो उसको श्री संप्रदाय कहते हैं। उसमें श्रीपाद रामानुजाचार्य आए हैं, वो भी परम प्रमाणिक संप्रदाय है, और एक है बल्भाचार्य जी का पुष्टि मार्ग जिसमें आचार्य हुए हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय उसको कहते हैं।
और वास्तव में भगवान शिव ने उसका प्रवर्तन किया है। सब में उपास्य भगवान है, तो दूसरा नहीं। लेकिन जैसे कहीं बहुत बड़ा सरोवर हो, उस पर बांध बनाया गया है और नहर खोला जाए, तो इस नहर में भी वही पानी जाएगा और उस नहर में भी वही पानी जाएगा। पानी सेम है, लेकिन नहर की लंबाई चौड़ाई में थोड़ा अंतर हो सकता है। पानी वही है, विष्णु की उपासना है, भगवान की उपासना है। कहीं कहीं देश काल के अनुसार थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, सिद्धांत में अंतर नहीं। और एक है कुमार संप्रदाय, चार कुमारों ने चलाया, उसमें श्रीपद निंबार्काचार्य आते हैं। और एक कौन है, एक तो बल्भाचार्य जी, रमानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु है? नहीं ओ, तो नहीं नहीं मध्वाचार्य निंबार्काचार्य, अच्छा ऐसे वर्तमान आचार्यों से गिन लीजिए, चैतन्य महाप्रभु और निंबार्काचार्य, बल्भाचार्य, रामानुजाचार्य, चार हो गए हैं। क्लियर है? तो गुरु को संप्रदायी होना चाहिए, जिससे कि वह अपने पूर्व के आचार्यों की बात को रख सके, उनका आचरण, उनका शील स्वभाव, उनके सिद्धांत, भगवान से स्नेह, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो वैष्णव ही गुरु होना चाहिए, ये निश्चित हुआ। यह नहीं कि गुरु पादाश्रय का मतलब है कोई भी गुरु स्वीकार कर ले। कोई गुरु न तो मंत्र बताएगा महामंत्र और न भगवान का कोई ड्यूटी देगा। कुछ ऐसे गुरु हैं वे अपना ही फोटो बांटते रहते हैं उनके शिष्य में, अपना फोटो, भगवान का नहीं, अपना फोटो सब जगह घर में भर दो। मैंने देखा है ऐसे कई गुरुओं को, भगवान उपास्य नहीं है उसमें, आराध्य नहीं है। तो ऐसा गुरु नहीं, गुरु मतलब वैष्णव होना चाहिए और वैष्णवों में भी सदाचारी होना चाहिए, भगवान का पक्का भक्त होना चाहिए और उसे शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये है। और वर्तमान समय में जिसको गुरु बनाना है तो वह देख लेना चाहिए कि इस परंपरा में है, जो वैष्णवों की भी चार परंपराएं हैं, लेकिन चारों में तो दाखिल नहीं होंगे ना। चार रास्ता एक जगह से खुल रहा है तो चारों पर नहीं चलेंगे ना, कोई एक रास्ता पर चलेंगे, अपना ट्रैक एक होगा उसी पर चलेंगे। तो गुरु पदाश्रय का मतलब है कि ऐसे भगवान का पक्का भक्त और सदाचार परायण, और वैष्णव आचार्यों के जो ग्रंथ हैं उनमें उसकी पहुंच होनी चाहिए अच्छा से। तो ऐसा गुरु बनाना चाहिए, गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, गुरु पादाश्रय और दीक्षा लेनी चाहिए। यह भी एक भक्ति का अंग है, दीक्षा, गुरु पादाश्रय दीक्षा। और दीक्षा ही केवल लेकर के न रह जाए, गुरु की सेवा करें, गुरु र सेवान, गुरु की सेवा करना है। कई तरह से सेवा है, गुरु की इच्छा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, और गुरु की प्रत्यक्ष सेवा भी करनी चाहिए, शारीरिक सेवा और जो भी है, गुरु र सेवान। सब धर्म शिक्षा और सब धर्म भक्तों के जो आचार हैं उनकी शिक्षा लेनी चाहिए। सब धर्म शिक्षक, सब धर्म का अर्थ है सताम धर्म तस् शिक्षणम। सज्जन अर्थात भगवान के भक्त कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे जीते हैं, क्या आचरण उनका होता है, उसके बारे में सीखना चाहिए। वह गुरु से सीखे या गुरु के शिष्यों से सीखे
या और किसी वैष्णव से सीखे, लेकिन सीखना चाहिए सब धर्म शिक्षा और परीक्षा पूछना चाहिए, ये भी एक भक्ति है। शिक्षा लेना, ट्रेनिंग लेना और पूछना, जिज्ञासा होनी चाहिए भगवान के बारे में सब कुछ। और साधु मार्गानुगमन, साधु मार्ग अनुगमन, साधु लोग वैष्णव लोग जिस पथ पर चले हैं वही काम करना चाहिए, उनके मार्ग का अनुगमन करना चाहिए, ये नहीं कोई अपना मार्ग चला दे। साधु मार्ग अनुगमन, साधुओं के मार्ग का अनुगमन करें। भगवान के भक्त जिस पथ पर चले हैं उस पथ पर चले, उसमें कोई नोक झोंक ना करे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, चलना चाहिए। ये भक्ति के अंग है। कृष्ण प्रीते भोग त्याग, कृष्ण के सुख के लिए भोग का त्याग करना चाहिए। भक्त के जीवन में मुख्य चीज है कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण के प्रीति के लिए, कृष्ण के सुख के लिए भोग त्याग। ऐसा नहीं कि भोग नहीं मिल रहा है तो त्याग है अपने आप, या नहीं भरा है भोग फिर भी त्याग करना। जैसे एकादशी करते हैं तो एकादशी के दिन ऐसा नहीं है कि उस दिन अनाज सब घर में घट जाता है वैष्णव का, नहीं भरा है, मिठाइयां हैं सब है लेकिन नहीं खाएंगे। तो इसी तरह के बहुत से भोग हैं, कृष्ण के सुख के लिए नहीं भोगना चाहिए, कृष्ण को उसे प्रसन्नता होती है। ये स्त्री सहवास आदि से लेकर के जो भी है सब पर यह लागू होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके सुख के लिए हमें नियम पालन करना है। हमको भले कष्ट हो तपस्या करने में, लेकिन यदि कृष्ण को उससे सुख मिलता है तो वही करेंगे। जैसे अर्जुन को अवश्य कठिनाई थी कि वे युद्ध करें और मार काट करें, कठिनाई लग रही थी, लेकिन कृष्ण के सुख के लिए उन्होंने किया। यथेच्छसि तथा कुरु, नहीं करिष्ये वचनं तव, अर्जुन ने साफ कहा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है, तो भगवान ने आज्ञा दिया तब धनुष उठाओ तैयार हो जाओ, कृष्ण के सुख के लिए करना है। भक्त के जीवन का यही सार है, उसे अपना कुछ नहीं देखना है कि हमको इसमें सुख है, हमको अच्छा लगता है लगता है, भगवान कृष्ण को क्या पसंद है क्या अच्छा लगता है, बस उसी के लिए हमारा जीवन है। तो कृष्ण का यह स्वभाव है कि वे भोग नहीं पसंद करते हैं, कि भक्त भोग में रहें, बहुत काम भर भोग हैं, भोजन वस्त्र घर आदि ये सब जथा निर्वाह हो, लेकिन वो आगे आएगा। तो कृष्ण के लिए भोग त्याग, कृष्ण तीर्थे वास, और कृष्ण के तीर्थ में रहना है, कृष्ण के धाम में रहना है, या कृष्ण के मंदिर में रहना है, ये भक्ति है। भक्ति तभी होगी जब हम भगवान के धाम में रहेंगे या मंदिर में रहेंगे या मंदिर से कनेक्टेड रहेंगे, यह भी बात है। कृष्ण प्रीति भोग त्याग, कृष्ण तीर्थ वास, उससे बहुत मदद मिलती है। जावत निर्वाह प्रतिग्रह एकादशी उपवास, जावत निर्वाह प्रतिग्रह, प्रतिग्रह जितना से चल जाए शरीर अपना या परिवार ठीक से, उतना ही संग्रह करना है। जावत निर्वाह जिसे जी जाए और सुखपूर्वक आराम से भगवान की भक्ति कर सके, उतना ही संग्रह करना चाहिए। ज्यादा संग्रह एक्स्ट्रा लोड है वास्तव में, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये बात है, समाज को नहीं सिखाई जा रही है, ये बात उस भक्त को सिखाई जा रही है जो भक्ति के पथ पर चल चुका है, उसे देखना है क्या क्या बाधा है क्या करना है। तो जितना से निर्वाह हो जाए उतना ही प्रतिग्रह करें। और एकादशी उपवास, एकादशी को उपवास करें। उपवास का अर्थ बिल्कुल नहीं खाना,
एकादशी को फीस्ट नहीं खाना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए कितना कितना मार्ग अवरुद्ध होता जा रहा है। लोग ये कहते एकादशी फीस्ट है, अरे मूर्ख कहें क्या शब्द बोल रहे हो। एकादशी को उपवास करने का विधान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। इतना शब्द बोलने में भी शर्म करना चाहिए, लज्जा होनी चाहिए क्या बोल रहा हूं। इस तरह एकादशी को उपवास करना चाहिए, अगर संभव है तो निर्जला करना चाहिए, और नहीं तो सजला करें, जल पी करके करें। सजला भी नहीं कर सकता है तो सफला करें, फल खा लें, या सरसा करे, कोई रस पी ले, जूस पी ले, या सदुग्धा करे, दूध के साथ कर ले। नहीं कर सकता है तो ये तो बहुत कम ग्रेड गिरा करके स्टैंडर्ड ये है कि जल भी ना पिए या जल केवल पी करके करे, बस इतना है ये स्टैंडर्ड की एकादशी। और गिर करके अब ग्रेड गिराते जाएंगे गिराते जाएंगे गिराते जाएंगे, तो गिरना तो यही है कि जल पीकर करें, गिर करके कर रहे हैं। इससे भी नीचे कोई हम नहीं कर सकते हैं इतना, तब कहा जाए ठीक है तो फल खा करके रहो, कोई पका हुआ चीज मत खाओ, फल खा कर रहो, या सरसा रस पी करके जूस पी करके रहो। इस पर भी हम नहीं कर सकते, इतना जब कमजोर है मर रहा है तो उसको कहा जाएगा ठीक है तब कुछ दूध पी करके रह जाओ, इस पर भी नहीं रह सकता है, तब कम से कम भोग की सुविधा दी जाएगी, कोई आलू सालू पका करके खा ले बस, तला हुआ चीज तो भूल करके भी ना खाए। नहीं तो एकादशी क्या कर रहा है, वो तो केवल भक्ति के नाम पर एकादशी के नाम पर इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, इतना नहीं तपस्या कर सकता है, एकादशी को उपवास भी नहीं कर सकता है, तो वो व्यक्ति क्या आशा करेगा कि कृष्ण हमें मिलेंगे। ये भगवान स्वयं सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जावत निर्वाह प्रतिग्रह एकादशी उपवास धातस्वत्थ गो विप्र वैष्णव पूजन। और किनकी पूजा करनी चाहिए, धात्री ये भक्ति है, आंवला के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। धात्री अश्वत्थ और अश्वत्थ पीपल, पीपल का वृक्ष है उसकी पूजा करनी चाहिए। और यदि परिक्रमा में कहीं पीपल का वृक्ष पड़ता है तो उसको अपने दाहिने रख कर जाना चाहिए, या आदर या आंवला का वृक्ष पड़े तो दाहिने जाना, या किसी किसी दिन उसकी पूजा करनी चाहिए, जैसे अक्षय नवमी कार्तिक की है तो उस दिन आंवला की पूजा की जाती है। धात्री अश्वत्थ गो और गौ, गौ की पूजा, विप्र ब्राह्मण की पूजा, और वैष्णव पूजन वैष्णव की पूजा, ब्राह्मण की पूजा और वैष्णव की पूजा, इस भक्ति है। सेवा नामा अपराध आदि विदुरे वर्जन, और सेवा अपराध 32 है और नामा अपराध, इनको दूर इससे दूर से ही बचना चाहिए, कभी ना करे। 10 नामा अपराध तो सभी लोग जानते ही हैं, और सेवा अपराध, सेवा में क्या क्या अपराध, 32 अपराध गिनाए गए। अवैष्णव संग त्याग, जो वैष्णव नहीं है भगवान का भक्त नहीं है उसके संग का त्याग करना चाहिए। तो वैष्णव के संग में रहेंगे तो नन वैष्णव का त्याग अपने आप हो जाएगा। त्याग का मतलब है कि उसके साथ बैठ कर बात नहीं करना, 2 मिनट भी बेकार टाइम जाता है, भगवान के भक्तों के साथ बैठना चाहिए। और भक्तों के साथ में कृष्ण वार्ता होनी चाहिए, ये नहीं कि भक्त भी हैं और अब लगे दुनिया में चर्चा कर लू। अवैष्णव संग त्याग, बहु शिष्य न करीबा, और बहुत शिष्य नहीं बनाना चाहिए। ये गुरु लोगों के लिए सिखाया जा रहा है, बहुत शिष्य न करने तो
अपने सिर पर झंझट और चिंता रोज ये देखो वो देखो, वो क्या व्यक्ति भजन करेगा, कृष्ण का स्मरण करेगा। रोज जिसको केवल शिष्यों को ही देखना है, शिष्य मुख हो गया है, कृष्ण मुख होना चाहिए। बहुत शिष्य बनाएगा तो झंझट में पड़ेगा, बहिर्मुख होगा। तो बहुत शिष्य ना करीब, एक भक्ति का अंग है, बहुत शिष्य नहीं बनाना। बहु ग्रंथ कला अभ्यास व्याख्या नंबर जीवा, और अनेक कलाएं हैं और अनेक ग्रंथ हैं, ये नहीं कि बहुत बहुत ग्रंथ पर व्याख्यान दिया करें। बहुत ग्रंथ पर व्याख्यान नहीं करना चाहिए किसी भी वैष्णव का धर्म। तो कोई भी ग्रंथ मिला बस व्याख्यान चालू, कोई भी ग्रंथ मिला व्याख्यान चालू। कुछ खास अपने वैष्णव ग्रंथ हैं, उन्हीं को पढ़ना चाहिए, उन्हीं पर प्रवचन करना चाहिए। बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्या नंबर जीवा, बहुत बहुत कलाओं का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बहुत प्रकार की कलाएं होती है, संगीत एक कला है, लेकिन संगीत में भी व्यर्थ अभ्यास न करे कि अब संगीत ही प्रधान हो जाए। कभी कीर्तन करना हो तो इतना बाजा जुटेगा तभी हो पाएगा, अगर नहीं जुटा तो मरे जैसे देखता रहता है ना। इतना बाजा चाहिए, चाहे आजकल अंग्रेजी बाजा क्या क्या है, इतना साज सामान हो और बहुत बिहड़ आवाज करने वाला माइक लगे तब गाएंगे। अरे माइक हो या ना हो, या बाजा हो चाहे ना हो, फिर भी भगवान का कीर्तन तो गाएंगे ही, ये साधना है। तो बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्या नंबर जीवा, हानि लाभ सम। भक्ति ऐसे होती है, ये भी भक्ति का एक अंग है, हानि और लाभ में सम होना चाहिए। कभी बहुत बड़ा लाभ हो गया तो हर्षित नहीं होना, और घाटा हो गया तब भी कोई बात नहीं। भक्ति में क्या वो घाटा देगा, और कहीं घाटा लग गया, कुछ धन कम मिला तो फिर आदमी फिर उससे प्रभावित हो जाए और उस दिन जप न करे, कुछ सोचे न, मोरस रहे, खिन्न रहे, तो भक्ति नहीं होगी। और लाभ हो गया, बहुत बड़ी राशि मिल गई, तब संकल्प उठेगा इसे ये काम करना है, ये काम करना है, इधर बिल्डिंग बांधना है, ये करना, तो इससे भी भजन में बाधा पड़ी। लाभ में भी और हानि में भी, तो हानि और लाभ तो होते रहेंगे, इसमें सम रहना चाहिए। हानि लाभ सम, शोकादिर बस न है, वह शोक आदि के बस में नहीं होना चाहिए। शोक क्रोध आदि शब्द से क्रोध है, कभी क्रोध के बस में ना हो, शोक के बस में ना हो, यहां तक कि घर में कोई मर जाए तब भी शोक न करे, तब व्यक्ति भजन कर पाएगा। ये तो मरना जीना लगा हुआ है, शोक के अनेक अवसर आएंगे, स्थान आएंगे, लेकिन शोक नहीं करना चाहिए। उसे भगवान के स्मरण का तार नहीं तोड़ना है, भगवान के श्रवण कीर्तन में रहना है, शोक और क्रोध में लग गया। और शोक, शोक के अनेक स्थान हैं, शोक के तो अनेक कारण, कहीं भी शोक करने लगता है जीव, मनुष्य खास करके शोक करने लगता है। हमने सुना है, कभी कभी देखा भी है कि मान लीजिए कोई क्रिकेट हो रहा है तो बल्ब एक सीमा में आ जाए कहीं क्षेत्र में और सफलता मिले, हमको पता नहीं है सिद्धांत क्या रन बनाते हैं सब कोई पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी सीमा में बल्ब नहीं गया, दूसरे जगह चला गया, उसकी जीत हो गई, हार हो गई, तो केवल उस छोटे से बल्ब के इधर उधर होने से पूरा देश शोक करता है कि हाय हार गए, हार गए, क्या मूर्खता है। और अगर वो चला गया तो जीत गए, जीत गए, जीत गए, फिर बस उड़ाना, ये करना, वो करना। और हमने ये भी सुना है कि जो हार जाता है, खिलाड़ी अगर हार जाते हैं तो आते हैं तो उन पर लोग टमाटर फेंकते हैं, क्या क्या मारते हैं, तो शोक आदि के बस में हो गए, हर्ष शोक और क्रोध, ये सब
अजीब दुनिया है, लेकिन भक्तों का रास्ता अलग है। उसे जगत में सब होता रहेगा, इसमें हर्ष शोक आदि नहीं करना है। चाहे धन की हानि हो, चाहे स्वजन की हानि हो, या कोई विरुद्ध हो जाए, कुछ हो जाए, सम रहना चाहिए। शोकादिर वश न होइब, ये भगवान सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीब, दूसरे के इस देवता की और दूसरे के शास्त्र की कभी निंदा न करें, क्योंकि उसने बेकार अपना अपनी वाणी फंसती है, मन से चिंतन होता है। कहां कृष्ण का भजन करना है तब तक दूसरे के बारे में बोलने लगे। दूसरे के बारे में बोलने से तो अच्छा है ना महामंत्र बोले, चाहे भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बोले। तो अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा न करीब, अन्य शास्त्र बहुत हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र हैं, तो उनके बारे में कभी बोले ना, निंदा ना करें। और अन्य देवताओं की निंदा ना करें। अन्य देव का अर्थ है जिसको मानता है, जिसको माने, किसी को माने, किसी को मान, जो कुत्ता को इष्ट देव माना है तो क्यों निंदा करेंगे? उसमें टाइम जाता है कि मैं स्वयं ही निंदा कर रहा हूं, लेकिन बहुत से ऐसे देव देवी लोग गढ़ लिए हैं जो वैदिक देव के अतिरिक्त, से भगवान शिव गणपति आदि तो ऐसे वैदिक देवता हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत से नन वैदिक देवता, बहुत से पंथ प्रवर्तक हो गए हैं जहां पर, तो उनके बारे में कभी बोले ना, उनके द्वारा उपदिष्ट ग्रंथ पर ना बोले। विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता ना सुनी, वह कभी भूल करके भी विष्णु और वैष्णव की निंदा ना सुने, नहीं सुनना। ये एक वार्निंग है, जबकि भक्ति का अंग है। भक्ति का अंग इसलिए है कि यदि नहीं सुनेंगे भगवान की निंदा और भगवान के भक्त भी, तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो विष्णु वैष्णव निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, और ग्राम्य वार्ता न सुनी वह। इसके साथ साथ ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य वार्ता का अर्थ स्त्री पुरुष के बारे में कुछ चीज, चाहे संसार का या गांव की चीज, विवेक बिहार में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, इसको नहीं सुनना चाहिए। इसको ग्राम में वार्ता कहते हैं। आजकल तो ये ग्राम में वेद छप छप करके जहां तहां अखबार घूमते रहते हैं। ग्राम में वार्ता, सांसारिक वार्ता नहीं सुननी चाहिए, और विष्णु वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। ये भक्ति है, ये चीज नहीं सुनना है, ये भक्ति है। ये साधनांग सार, साधना के अंग का वर्णन किया जा रहा है। प्राणी मात्र मनोवाक्य उद्वेग न दीव, किसी भी प्राणी को उद्वेग नहीं देना है, दुख नहीं देना है, चाहे वाक्य से या चाहे मन में भी। मन में भी किसी को दुख नहीं देना है, उद्वेग नहीं देना है, वाणी से भी। वाणी इतना शीतल बोले, भगवान का नाम जप करे, वाणी कर्कश न बोले या निंदा न करे किसी की, तो किसी को उद्वेग नहीं देना चाहिए। प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेग न दिव, और नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन परिचर्या दास सख आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति। ये तो सामने लग रहा है कि यही भक्ति है, लेकिन ये नहीं सुनना ग्राम्य वार्ता, ये भी भक्ति है। टीवी न देखना ये भक्ति है, और कुछ लोगों तो ऐसे नाम का तिरस्कार करते हैं, जपते रहते हैं हरे कृष्ण और टीवी देखते रहते हैं। क्या जप है, ये नाम का अपराध लगता है। ग्राम वार्ता भी नहीं सुना, भगवान की नवधा भक्ति करनी चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। श्रवणम,
और उनके बारे में बोलना चाहिए कीर्तनम, जैसे नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, भजन गाना, ऐसा मुख्य है नाम कीर्तन। तो कीर्तन स्मरण भगवान के गुणों का, लीला का, रूप का आदि का स्मरण होना चाहिए, और पूजन भगवान की अर्चना, पूजन श्रृंगार वगैरह, वंदन भगवान को दंडवत प्रणाम, परिचर्या सेवा, कई प्रकार की सेवा होती है, दास ये भी सेवा के अंदर ही आती है, उपाध संवाहन के लिए परिचर्या आई है, और सख्य भगवान को अपना मित्र मानना, सबसे ज्यादा विश्वास करना उन पर, और आत्मनिवेदन अपने आप को भगवान के चरणों में डालना, अपना जो कुछ है भगवान को निवेदन करना, अग्रे नृत्य भगवान के श्री विग्रह के सामने नाचना, एक भक्ति का अंग है, 64 भक्ति में एक भक्ति है, भगवान के श्री विग्रह के सामने नाचना। हम लोग भगवान के दास हैं, इसलिए भगवान के सामने नाचना ही चाहिए, स्वाभाविक नृत्य होना चाहिए। जैसे तुम नाच ही रहे हैं, कहा जाता है दिन भर नाचता रहा, नाचने का मतलब इधर उधर भागता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, तो भगवान के सामने नाचना, जब भगवान के सामने व्यक्ति नाचता है तो संसार का दुख सब चला जाता है। अग्रे नृत्य भगवान के सामने नाचना, गीत अग्रे नृत्य गीत और गीत गाना, विज्ञप्ति, और कभी कभी भगवान के पास खड़ा होकर के अपने मनोभाव को व्यक्त करना, विज्ञप्ति कहते हैं, प्रभु हमें अपना प्रेम दीजिए या हमको धन दीजिए, जो भी अपने मन में है कहना चाहिए, इसको विज्ञप्ति कहते हैं। प्रार्थना दैन्यमयी प्रार्थना, लालसामयी प्रार्थना होती है, अपना दैन्य बताना भगवान से, या कुछ मांगना, और दंडवत नति दंडवत प्रणाम, अभ्युत्थान, अभ्युत्थान का अर्थ यह है कि श्री भगवान की कोई सवारी आ रही हो तो खड़ा हो जाना भगवान का स्वागत करने के लिए, और भगवान का पट खुल रहा हो, भगवान दर्शन दे रहे हैं तो पहले खड़ा हो जाना, ये नहीं कि पट खुलने पर तब धीरे धीरे खड़ा होना है। अभ्युत्थान इसको कहते हैं, अभ्युत्थान अनुव्रज्या, और भगवान की सवारी निकल रही है, रथ यात्रा निकल रही है, या और कोई जुलूस है, भगवान जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चलना है, भक्ति है, उनको देखकर खड़ा हो जाना और उनके पीछे पीछे चलना, इसको अनुव्रज है, अनुव्रजन कहते हैं, चलना, जितना जा सकता है आराम से उतना जाना चाहिए, बेटर तो यह है कि शुरू से अंत तक जाए, लेकिन इतना कमजोर है आदमी कि थक जाता है, चाहे प्यास लगती है, भूख लगती है, जितना जाए उतना जाना चाहिए, अपने दरवाजे पर बैठे नहीं रह जाना, भगवान के पीछे पीछे चलना, अनुव्रज्या। और तीर्थ गृह स्थिति, ये गति भगवान के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, तो तीर्थ कहते हैं, तीर्थ गृह गति, तीर्थ में वृंदावन में जाना चाहिए, या और भी भगवान के धाम है, श्री मायापुर और श्री क्षेत्र नव जगन्नाथपुरी, या भगवान के और तीर्थ हैं, तो वहां जाना चाहिए, और भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, प्रतिदिन जाना चाहिए। अरे आदमी ऑफिस जाने में कितना ट्रैफिक जाम करता है, मंदिर जाने में ऐसे जाम होना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए 24 घंटे में एक बार, तो हाजिरी दे ही देनी चाहिए भगवान की। कोई भी निकट मंदिर हो, जैसे भगवान श्री राम का मंदिर है, तो अवश्य जाना चाहिए। वैष्णव राज हनुमान जी हैं, इनका दर्शन करना चाहिए।
ये भक्ति का अंग है, भगवान का दर्शन करना, भगवान के तीर्थ में रहना, भगवान के मंदिर से संपर्क रखना। परिक्रमा करनी चाहिए, ये भक्ति है। भगवान के धाम की परिक्रमा, भगवान के मंदिर की परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा, कई प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं। मंदिर की परिक्रमा तो आसान है और भगवान की परिक्रमा छोटी सी होती है। कभी कभी भगवान के धाम की परिक्रमा होनी चाहिए, गिरिराज की परिक्रमा, जिस पर्वत को भगवान अपने हाथ पर उठाए थे, जिसके गुफाओं में खेलते थे, जिस पर गाय चराते थे, झूला झूलते थे, बिहार किए हैं, वो पर्वत आज भी वृंदावन में है, जिसका नाम है गोवर्धन। तो गोवर्धन जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। ये भक्ति है, परिक्रमा। परिक्रमा स्तव पाठ और श्री भगवान के पास अपने घर पर भी या मंदिर में भी स्तव पाठ करें, भगवान की स्तुतियां हैं उसको पढ़ना चाहिए, पाठ बोल बोल कर गाना चाहिए, पाठ करना चाहिए, स्तव पाठ, जप, भगवान के पास जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भगवान के नाम का जप होना चाहिए, भगवान के सामने पाठ होना चाहिए। पाठ मतलब जप है, भागवत पढ़ना भी जप है। तो परिक्रमा स्तव पाठ जप संकीर्तन धूप मालादि सौरभ्य महाप्रसाद भक्षण, और भगवान पर जो भगवान को जो धूप दिया गया, अगरबत्ती दी गई है, उसके धुआं को सूंघना या माल्य, भगवान की माला को लेकर के उसे सूंघना, पहनना, माल्य धारण करना, और महाप्रसाद भक्षण, महाप्रसाद खाना। 64 भक्ति में एक ये भक्ति है। ये भक्ति कितना आसान है, महाप्रसाद भक्षण खाना सभी जानते हैं, महाप्रसाद खाना है, भगवान का भोग लगाया हुआ चीज खाना है, और चीज नहीं। तो ये भक्ति है, महाप्रसाद भक्षण, भगवान पर चढ़ाई गई माला को सूंघना, पहनना, और भी सुगंधित चीज जो भगवान को फूल अर्पण किया गया है उसको सूंघना, आरात्रि कर, आरती करना, आरती स्वयं करना अथवा कहीं हो रहा हो तो उसको अटेंड करना, आरात्रिक महोत्सव, आरती करना, महाउत्सव करना, श्रीमूर्ति दर्शन, श्रीमूर्ति को नख से सिख तक, सिख से नख तक, एक एक श्रृंगार को, भाव को, भगवान के आंख को, नासिका को, श्री बदन कमल को, और वक्षस्थल को, पोशाक को, मुकुट को, कुंडल को, केशों को, सबको देखना, इसको दर्शन कहते हैं। दर्शन का अर्थ ये नहीं गए और बस देखे हाँ हो गया, एक एक अंग पर ध्यान से देखना, विचार करना, और गुण याद आता है कि यह वही चरण कमल है जिसे गंगा जी निकली है, यह वही अंगुली है जिसे वे अपनी बांसुरी बजाते हैं या गोवर्धन धारण किए थे, यही चरण कमल है जिससे वो काली के फण पर नृत्य किए थे, रासलीला में भगवान के चरण कमल थिरकते हैं, नख मोती की तरह चमक रहा है, उसमें नूपुर है, ये है वो है। तो नख से ध्यान करना चाहिए, नीचे से ज्यादा ध्यान भगवान के चरण कमल का करना चाहिए, और करते करते दर्शन करते करते तब ऊपर जाना चाहिए, लेकिन भगवान के मुख पर बहुत देर नहीं देखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान के मुख पर देखने का अधिकार तो श्री गोपी जनों को है, तो ज्यादा अधिकार चरण कमल पर है भक्तों का है। सारंगा नाम पदार्भुजन,
भक्तों का अधिकार योग्यता भगवान के चरण कमल पर है। ऐसे ऐसे मना नहीं है कि मुख नहीं देखना चाहिए, मुख भी देखे सब देखे, पर इसको समदर्शन कहते हैं। श्रीमूर्ति का रोज दर्शन करना, श्रीमूर्ति दर्शन, निज प्रिय दान ध्यान तदीय सेवन, और अपना जो कुछ सबसे प्रिय वस्तु है, प्रिय फल है, प्रिय कुछ भी है, तो उसको भगवान को अर्पण करना है। दान ध्यान तदीय सेवन, और तदीय कुछ चीजें हैं जिनका डायरेक्ट भगवान से संबंध है, उनको तदीय कहते, तदीय का अर्थ है उसका, कृष्ण का, उनका सेवन करना चाहिए। तदीय कौन कौन है? चार हैं। तदीय सेवन, तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत, चार चीज हैं जो भगवान के अपने हैं। तुलसी महारानी भगवान के सेवा कम्युनिस्ट अधिकारिणी हैं, यही सेवा देती हैं। सेवा अधिकार दिए कर निज दास, भगवान के सेवा का मिनिस्टर यही है, वही उनके विभाग में, इसलिए इनकी सेवा करनी चाहिए। तुलसी की सेवा कई तरह से की जाती है, जैसे जल देना, उसमें कोई घास आ गया हो दूसरा तो उसको निकालना, कीड़ों को हटाना, सींचना, आरती करना, गुण गाना, परिक्रमा करना, तुलसी जी की, इस तरह से तुलसी जी का सेवन होता है। और तुलसी और वैष्णव, वैष्णव का अर्थ है भगवान के भक्त, इनका डायरेक्ट भगवान से संबंध है। ऐसे तो सभी जीव भगवान के हैं, सबके हृदय में हैं, लेकिन जो वैष्णव हो गया, जो विष्णु को समर्पण कर चुका, वह स्पेशल भगवान का व्यक्ति है, भगवान के स्टाफ का है। तदीय तो उनका सेवन करना चाहिए, उनका सांग, उनको सुख देना, खिलाना पिलाना जो भी है करना चाहिए, वैष्णव सेवन। और मथुरा, मथुरा मंडल, ब्रजमंडल, वैसे भगवान के अनेक धाम हैं, लेकिन मथुरा ब्रजमंडल एक स्पेशल उनका है। तदीय, तदीय चार गिनाए गए, तदीय मतलब कृष्णीय, कृष्ण के, तो मथुरा वृंदावन ब्रजमंडल, इसका विशेष सेवन करना चाहिए। भागवत, और भागवत भी भगवान का तदीय है, उन्हीं का स्वरूप ही है, तो इसे पढ़ना और सुनना यही है इसका सेवन। खूब पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, और विशेष करके श्रवण पर ज्यादा बल रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की लाया है, यही चारी सेवा है कृष्ण अभिमान, इन चार की सेवा, तुलसी जी की सेवा और वैष्णव की सेवा और ब्रजमंडल की सेवा, श्रवण वास आदि और श्रीमद् भागवतम पढ़ना और सुनना, ये कृष्ण को बहुत अभिमत है, अभिमत है, वो चाहते हैं कि सब किया जाए, बहुत प्रिय उनको है। ये 64 भक्ति में से ये भी चार भक्ति बताए, कृष्णार्थ है अखिल चेष्टा तत्कृपा व लोकन जन्म दिनादि महोत्सव लैया भक्तगण। कृष्णार्थ है अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए ही सारी चेष्टाएं करें, इंद्रियों द्वारा जो भी करता है कृष्ण के लिए करें, कृष्णार्थ है अखिल चेष्टा है। तत्कृपा अवलोकन, और भगवान के कृपा का अवलोकन करें, प्रतीक्षा करें हमेशा। जैसे आदमी किसी को सोचता है कि वो व्यक्ति हम पर कृपा करेगा, वो कृपा करेगा, कब करेगा, कब करेगा, ये सब आशा भरोसा छोड़ देना चाहिए। भगवान कब कृपा करेंगे, उन्हीं की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए या अवलोकन करना चाहिए कि जिंदगी में प्रत्येक स्थान में प्रत्येक क्षण भगवान कृपा कर रहे हैं, उन्हीं की खुशामदी करनी चाहिए, उन्हीं की कृपा की अवलोकन करना चाहिए। कृपा
और भगवान के जन्मदिन आदि पर, जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर, गौर पूर्णिमा पर या चतुर्दशी, दशिन चतुर्दशी इत्यादि पर, जन्मदिन आदि कोई भी भगवान से संबंधित पर्व पढ़ते हैं तो जन्मदिन आदि महोत्सव, उस दिन महोत्सव करना चाहिए, जितनी अपनी शक्ति है उतना महोत्सव करना। महोत्सव में क्या क्या है? गाना, गीत गाना, नाचना, व्यवस्था करना नाचने गाने की, बहुत भारी कीर्तन करना चाहिए या सवारी निकालना चाहिए। और महोत्सव में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रसाद, प्रसाद देना चाहिए। तब न महाउत्सव होगा, नहीं तो लघु उत्सव भी नहीं हो पाएगा। भोजन न दिया जाए तो सारा उत्सव शिथिल हो जाएगा। तो एक अंग है जन्मदिन, जन्मदिनादि, जन्मदिन आदि कई महत्वपूर्ण पर्व है, उस दिन महोत्सव करना चाहिए। लैया भक्तगण, भक्तों के साथ महोत्सव रचना करना। सर्वथा शरणापत्ति, सब प्रकार से शरण लेनी चाहिए भगवान की। जैसे पहले गिनाया गया कार्तिक आदि व्रत, और कार्तिक आदि का व्रत करना चाहिए। जैसे एक टाइम खाना है कार्तिक में, ये व्रत है, और इतना पाठ करेंगे हम कार्तिक में, इतना जप करेंगे, और महीने में जितना जप करते हैं उससे जरूर ज्यादा करना चाहिए, और खाना चाहिए कम। कुछ लोग तो कार्तिक व्रत करते हैं गाय जैसा आहार करते हैं, हाथ से नहीं खाते हैं, टेबल पर थाली रखा हुआ है, था भोजन भी केवल खिचड़ी हबीस से, और उसे ऐसे जैसे पशु खाता है, गाय खाती है वैसे खाते, मैंने आंख से देखा है उसे पता। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिक जप, अधिक पाठ, बल्कि एक महीना वृंदावन में बीते तो और अच्छा है। परिक्रमा, जप, आप लोगों के लिए जितना दिन जा सके उतना ही दिन जाना चाहिए। ये नहीं कि देखा देखे अभी एक महीना घर द्वार छोड़कर, नौकरी छोड़कर के बस आने के बाद तो अब कुछ भी जप आदि नहीं होगा। पर एक अपनी सुविधा के अनुसार बातें बताई जा रही है। कार्तिक में भगवान का विशेष भजन करना चाहिए। कार्तिक में अपने घर में निश्चित ही ठाकुर जी को, गोपाल जी को बंधा हुआ जो उखल में बंध है उनको दीपक दिखाना करना चाहिए। और कार्तिक में अनेक व्रत किए जाते हैं, भगवान की कथा कही जाती है, कथा सुनी जाती है, धाम बस किया जाता है, परिक्रमा की जाती है, भोजन में कुछ नियम, बोलने में कुछ लोग मौन रहते हैं एक महीना। मौन मतलब भगवान का जप करते हैं, गुण गाते हैं, लेकिन वार्ता नहीं करते हैं। ये सब नियम है कार्तिक आदि व्रत। कार्तिक और आदि, आदि में भी और भी समय है जब व्रत करना चाहिए। चतुष्षष्ठी अंग यही परम महत्, 64 अंग हैं, 60 और 4, 64 ये परम महत्, परम महत्व है इनका, इस भक्ति के अंग है। और उसमें भी सार क्या है, पांच बताते हैं। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति, श्रद्धा, श्रद्धा या सेवा। 64 भक्ति में पांच भक्ति महाबलवान है, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, ब्रजमंडल में वास, और श्री मूर्ति का श्रद्धा से सेवन, ये पांच। सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माया यही पांचेर अल्पसंग, सभी साधनों में श्रेष्ठ ये है ये पांच। कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है इन पांचों का केवल थोड़ा भी आचरण किया जाए तो। ये पांचेर अल्प संग,
इसको भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी ने लिखा है। श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्रीमूर्ति रंग सेवन है। श्रीमूर्ति के चरण सेवा अर्चन में सेवा में विशेष प्रीति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रीमद भागवतार्था नाम आस्वादो रसिकैषः, श्रीमद भागवत के अर्थों का आस्वादन रसिक भक्तों के साथ करना चाहिए, जो भागवत के रस में विभोर रहते हैं उनके साथ। श्रीमद भागवतार्था नाम आस्वाद, अर्थों का आस्वादन करना, उसमें रस लेना, रसिकैषः, ये भागवत सुनना, तब ये महासाधन है। जो महासाधन पांचों को कहा गया है, तो श्रीमद भागवत के अर्थों का आस्वादन मतलब श्रवण, श्रीमद भागवतम हमेशा वैष्णव से ही सुनना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी मना किए हैं कई प्रकार के, तो कहते हैं कि वेदों पर जीवी से नहीं सुनना चाहिए। जो शास्त्र को पढ़ा करके, शास्त्र कह करके जीते हैं, उनसे नहीं सुनना चाहिए, मायावादी से नहीं सुनना चाहिए। और यह भी बताया गया है, वो बताते हैं कि व्याकरणवादी से भी नहीं सुनना चाहिए। वो जब पढ़ेगा तो व्याकरण के नियम ही सब जगह बताएगा, यहां ये नियम है, यहां ये नियम है, ये नियम। तो ये भी भागवत के अर्थ को छोड़ देना है। भागवत क्या कह रहा है, वास्तव में भगवान के गुणों पर विशेष बल जाना चाहिए, विशेष जोर देना चाहिए। जो लिखा है उसमें भगवान के रूप गुण लीला आदि, उस पर ध्यान रहना चाहिए। कई ऐसे हम विद्वान देखे हैं तथाकथित, तो बोलते हैं तो ज्यादातर व्याकरण की बातों पर ही जिक्र करते हैं, तो मूल थीम है छोड़ जाता है। तो इस तरह से, और ये भी कहा गया है कि जो भागवतों पर जीवी है उससे भी नहीं सुनना चाहिए। तो उस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसमें लिखते भागवतों पर जीवी, कुछ लोग भागवत कह करके जीविका कमाते हैं, ऐसे लोगों से कभी नहीं सुनना। भागवत जीविका के लिए नहीं है। आजकल वृंदावन में बाढ़ है, आ गई है भागवत कहने वालों की, क्योंकि सबकी जीविका चल रही है। तो इस तरह के भागवत सुनना एक टाइम ही बर्बाद करना है। भागवत रसिकों के साथ सुनना चाहिए, तो इसका अर्थ वक्ता रसिक होगा, भगवान की भक्ति में लगा होगा। यह नहीं कि अब भागवत रचा, भागवत सप्ताह हुआ, इसके बाद इतना मिलेगा तो ले जाकर आश्रम चलाएंगे या परिवार चलाएंगे। ये तो यह भगवान की भक्ति कर रहा है केवल जीने के लिए। इधर प्रोग्राम करो यहां कुछ मिलेगा, उधर प्रोग्राम करो वहां कुछ मिलेगा, ये करेगा, उसको मंदिर में दे चाहे कहीं करे, ये सब थर्ड क्लास के हैं। वास्तव में ये नहीं होना चाहिए, भक्ति करनी है भक्ति के लिए। यह बात जरूर है कि भक्ति करने पर अर्थ मिलता है, लोग देते हैं, लेकिन वो देना दूसरी बात। लेकिन हमेशा एक सिस्टम बना ले कि बस इसे इतना अर्जन करना है, यहां इज्जत इतना अर्जन करना है, यहां भागवत कथा करनी है तो इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो चाहे मंदिर चलाना हो चाहे घर चलाना हो, दोनों एक चीज है। भागवत ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि जिसको इस पर्पस में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा ये शालिग्राम से भांग पीसने के समान है। किसी घर में शालिग्राम हो और कोई दूसरा पत्थर नहीं मिला, पीसना है भांग, तो उन्हीं को उठा करके और पीसने का, ये भागवत इसके लिए नहीं है। अरे जीने के लिए व्यापार है, दुकान है, कई प्रकार की चीजें हैं, उससे जीना चाहिए। श्रीमद् भागवतम से तो भवबंधन से छूटना है, भगवान से प्रेम करना है। भागवत का इस्तेमाल इसमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उससे सुनना नहीं चाहिए। ये यहां बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बताए हैं। तो श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वाद रसिक भक्तों के साथ होना चाहिए। और सजातीय आशय स्निग्धे साधव संगम स्वतो वरे,
और किसका संग करना चाहिए, साधु संग जो कहा गया है, एक तो सजातीय आशय, जो सजातीय है, सजातीय आशय वाला है, ये अर्थ है। हम जो चाहते हैं कृष्ण प्रेम, तो इस विषय में जो हमसे श्रेष्ठ है, वरे वरे श्रेष्ठ है अपने आप में, तो ऐसे श्रेष्ठ भक्त का संग करना चाहिए। और जो स्निग्ध है, प्रेमी है और भगवान का परम भक्त है, तो सजातीय आशय का अर्थ है कि एक दल का है, एक आशय का है। हम यदि ब्रजनंदन श्याम सुंदर की सेवा चाहते हैं, श्री राधा रानी की कृपा चाहते हैं, तो ऐसे ही वैष्णव का संग करना चाहिए। ठीक है, अन्य भी वैष्णव है, जैसे मान लीजिए कोई रामानंदी वैष्णव है, कोई श्री संप्रदाय का वैष्णव है, तो उनको सजातीय आशय वाला वैष्णव नहीं कहेंगे। गौड़ीय है, गौड़ीय संप्रदाय का, और उसमें भी उसका आशय क्या है, राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करना, इस समान आशय है, तो ऐसे भक्त का संग करना चाहिए, ऐसे भक्त का संग करना चाहिए जो श्रेष्ठ है, स्निग्ध है, इसको साधु संग कहते हैं। और नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन जप कीर्तन, और श्रीमन मथुरा मंडले स्थिति, और श्री ब्रजमंडल में रहे, ब्रजमंडल में वास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन है। इसका अनुभव सभी भक्त करते हैं, केवल रहने मात्र से वहां भक्ति के कई अंग पुष्ट होते हैं। साधुओं का दर्शन होना, परिक्रमा होना, श्री विग्रह का दर्शन होना, कितना कितना, मथुरा में रहने पर, मतलब ब्रजमंडल बरसाने नंदगांव का वृंदावन में रहने, तो एक महासाधन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दुरु हाथ भूत तीर्थ जीव रूप गोस्वामी जी कहते हैं, दुरु हाथ भूत वीर जैसमिन श्रद्धा दूरेस्तु पंच के, इन पांचों आइटम में भक्ति के, श्रद्धा तो दूर की बात है, अगर इनका थोड़ा भी संग मिले बिना श्रद्धा के भी, तब भी बहुत फायदा होता है। जब स्वल्पोपि संबंध संधियात भाव जन्मने, भाव उत्पन्न करने में इन पांचों का थोड़ा संग भी पर्याप्त कारण है, थोड़ा भी स्वल्प संग। एक अंग साधे के साधे बहुअंग, निष्ठा हैले उपजय प्रेमे रतरंग। तो कोई एक अंग करता है, भक्ति तो बहुत है, बहुत अंग है, लेकिन कोई कोई भक्त एक अंग पूरा करता है अच्छा से, और कोई बहुत अंग पूरा करता है। लेकिन एक अंग करे तब भी प्रेम मिलता है, बहु अंग करे तब भी मिलता है, लेकिन करनी चाहिए निष्ठा से। तो जिस कौन कौन एक अंग किए, एक भक्ति किए, तो इसमें गिना रहे हैं, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैया सखी कीर्तने। श्री परीक्षित महाराज केवल श्रवण किए, और श्री सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन किए, केवल बोले। देखिए, फिर भी कृष्ण की प्राप्ति इनको हुई। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैया सखी कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे नृभजने, लक्ष्मी पृथु पूजने, अकुलस्तोहिबंदने कपिपतिर दास्येथ सखेर्जुन, सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेशाम परा। परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, एक अंग साधे, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किए, प्रहलाद महाराज स्मरण किए, और स्मरण करते थे। ऐसा नहीं कि और भक्ति नहीं करते थे, लेकिन मुख्य रूप से बताया जा रहा है, प्रहलाद महाराज स्मरण किए, और चरण दास पाद संवाहन श्री लक्ष्मी जी, पृथु महाराज अर्चन किए, भगवान की पूजा, अकुलस तो भी वंदन है, अकुलर जी वंदना की, कपिपतिर दास से
कपिपति श्री हनुमान जी दास्य भाव में रहते हैं। सख्य अर्जुना, सख्य की अर्जुन, सर्वस्वात्म निवेदने बलि, सर्वात्म समर्पण करने में श्री बलि महाराज, कृष्णातिरेशम परा, लेकिन इन सबको कृष्ण की पूर्ण प्राप्ति हुई भगवान की कृपा, एक एक भक्ति करने पर। ते प्रमाण दिया जा रहा है, श्रवणे परीक्षित, कीर्तने वैयासकी, स्मरणे प्रहलाद, अंघ्री भजने लक्ष्मी, पूजने पृथु, अभिवंदने अक्रूर, दास्य कपिपति, सख्य अर्जुन, सर्वस्वात्म निवेदने बलि, और इनको कृष्ण की प्राप्ति हुई। एक अंग सिद्धि पाइला बहु भक्तगण, एक अंग सिद्धि पाई, एक भक्ति करके बहुत भक्तों ने सिद्धि पाई है, लेकिन एक को अच्छा से किया, परफेक्ट किया। एक अंग सिद्धि पाइला बहु भक्तगण, एक अंग सिद्धि पाइला बहु भक्तगण, अंबरी साधी भक्तिर बहु अंग साधन। और कुछ भक्त थे, हुए हैं, जो बहुत साधन किए, बहुत अंग, जैसे अम्बरीश महाराज बहुत अंग साधे। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंदिर मार्जना विशु श्रुतिं चकाराचित सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भेद्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामम तु दासे न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। अम्बरीश महाराज ने कौन कौन भक्ति किया? पदार बिंदयो हो मन, चरण कमल में मन को रखे थे, मन से स्मरण करते थे। सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो, कृष्ण के पदार बिंदु चरण कमल में, दोनों चरण कमल में मन को, वैकुंठ गुणानुवर्णने वचांसि, और भगवान के लीलाओं के वर्णन में, गुणों के वर्णन में वाणी को लगाए थे, और दृशव दोनों आंखों को, मुकुंद लिंगालय दर्शने, श्री कृष्ण के श्री विग्रह को देखने में दोनों नेत्रों को लगाए थे। श्री कृष्ण के दो चिन्ह हैं जहां वो रहते हैं, एक तो वैष्णव और दूसरे श्री विग्रह। वैष्णवों को देखना यह भी एक परम भक्ति है, जिनके हृदय में साक्षात भगवान रहते हैं। श्री विग्रह को देखना और वैष्णव को देखना, इनको दोनों को मुकुंद लिंगालय कहते हैं, मुकुंद जहां विराजते हैं। तो अम्बरीश महाराज भक्तों का दर्शन करते थे और भगवान के श्री विग्रह का, और अपने स्पर्श को, स्पर्श इंद्रिय को कहां लगाए थे? भक्तों के चरण को छूने में। तद भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम, अंग संगम भक्तों से अपना देह सटाते थे, तने मतलब चरण छूना। तो ये स्पर्श वासना है ना, सब में स्पर्श होना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज भक्तों का स्पर्श करते थे। एक कथा है श्रीमद् भागवत में कि श्री ध्रुव महाराज जब तपस्या करके आए भगवान का दर्शन पा करके, तो उनका स्वागत उनके पिताजी उत्तानपाद कर रहे थे। तो उत्तानपाद सबसे पहले ध्रुव महाराज का आलिंगन करने लगे, और आलिंगन कर रहे हैं तो उनको यह बात याद आई कि मेरा बेटा भगवान को छू करके आया है, तो भगवान को छूने से परम पवित्र हो गया है। बार बार उनको स्मरण आ रहा था कि यह वह शरीर है जो भगवान के चरण कमल का स्पर्श करके आया है। मैत्रेय जी बोलते हैं भागवत में, आलिंगन कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये भगवान को आलिंगन करके आया, भगवान इसका आलिंगन किए।
इस तरह से अंग संगमम बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि शरीर टच करे तो वैष्णव के चरण से टच करे, इसका प्रभाव होता है। और घ्राणम च तत्पाद सरोज सौ भगे श्रीमद तुलस्या, और घ्राण को नासिका को कहां लगाए थे, तुलसी जी में, जो भगवान के चरण सरोज के गंध से सुवासित है और श्रीमती है, श्री तुलसी जी को सूंघने में लगाए थे नासिका को। सब कई बार सूंघते थे, जो भगवान के चरण पर तुलसी जी चढ़ाई जाती है, चरण तुलसी, उसको लेकर के बारंबार सूंघते थे। रसना तदर पीते, और रसना को जिह्वा को लगाए थे भगवान के महाप्रसाद में। रसना तदर्पिते नैवेद्य की अर्थ नैवेद्य में महाप्रसाद में लगाए। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पण है, और भगवान के धाम में मंदिर में दौड़ने में चलने में लगाए थे दोनों पैरों को। हरे क्षेत्र पदानुसर्पण है, भगवान के क्षेत्र जो है धाम है, वहां तो प्राय भाग ही जाते थे अम्बरीश महाराज, कभी राज्य शासन नहीं किए, तो राज्य शासन तो उनके प्रतिनिधि लोग कर रहे थे। जब सुना जाए तो भगवान के धाम में गए। वो दुर्वासा जी जब आए थे इनके पास, उस समय वे एकादशी व्रत कर रहे थे, द्वादशी प्रधान, तो मथुरा नहीं थे, मधुबन में लिखा गया, मधुबन से तत्पर पूरे ब्रजमंडल है। तो अम्बरीश महाराज कार्तिक के महीने में ब्रज में ही थे, और वहीं पर व्रत पूरा हुआ था, तो दुर्वासा जी आए थे, उन्होंने वो उत्पात किया। जो भी है, तो भगवान के धाम की यात्रा में चरणों को और भगवान की वंदना में सिर को लगाए थे, सिरो हिर्षी के स्पदा भी वंदने, और कामना को कहां लगाए थे, अपने काम को, इच्छा को, तब दास से, मैं भगवान के दास हूं, दास बन जाऊं, उनकी दासता में लगाए थे, जिससे हमें रति प्राप्त हो, जो भगवान के भक्तों के हृदय में रति निवास करती है, भगवान की उत्तम श्लोक जनाश्रया रति, वह रति हमें प्राप्त हो। इसके लिए अम्बरीश महाराज सब प्रकार की भक्ति कर रहे थे। काम त्यागी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी देव ऋषि पित्यादि कबू नहरी, जो काम छोड़ करके श्री कृष्ण को समर्पण करता है, तो वह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, किसी का ऋणी नहीं रहता है। देवर शिभूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्ण चरण निषिद्ध पापाचार्य तारे कबू नहे म। जो विधि धर्म को छोड़ देता है और भगवान का भजन करता है, कृष्ण का चरण कमल भजता है, तो उसे बहुत कुछ संभावना रहती है कि पाप होता नहीं है, गलत काम नहीं होता है। और यदि कदाचित स्वभाववश या कालवश कुछ गलती हो भी गई, तो अज्ञा ने यदि है पाप उपस्थित, कृष्ण तारे शुद्ध करे न करे प्रश्चित। यदि भूल से कभी स्वभाववश कोई गलती हो गई, तो कृष्ण उसे प्रायश्चित नहीं कराते हैं। ऐसा नहीं कि नरक में पटका जाए, दंड दिया जाए, कृष्ण प्रायश्चित नहीं कराते हैं, उसे शुद्ध कर देते हैं, भजन ही उसको शुद्ध कर देता है। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विधर्म जच्चत पततम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः। यदि भगवान के चरण कमल का कोई भजन करता है, तो उस प्रिय के, अपने प्रिय भक्त के, उसके द्वारा कोई पाप हो जाता है, तो भगवान तो हृदय नहीं है, सब पाप नष्ट कर देते हैं। कथंचित कभी पाप हो जाता है तो भगवान नष्ट कर देते हैं, उसके हृदय में ही रहते हैं।
ज्ञान वैराग्य आदि भक्ति कबूल न है अंग, जम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग। ज्ञान वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है। ज्ञान से तात्पर्य देखिए तीन प्रकार का ज्ञान होता है। एक है अपना ज्ञान, दूसरा है भगवान का ज्ञान, भगवान के साथ अपना संबंध है। जब दास्य भाव का होता है तो ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये तो स्वरूप है जीव का। तो ये परम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, इसको भगवान गीता में कई बार कहे हैं, ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम। लेकिन जब ईश्वर के साथ अपना अभेद ज्ञान होता है कि हम और ईश्वर ब्रह्म दोनों एक ही हैं, तो प्रायः ज्ञान शब्द से यही कहा गया। जहां ये कहा गया है कि भक्ति में ज्ञान सहायक नहीं है, अंग नहीं है, तो इसी ज्ञान के लिए कहा जाता है, ब्रह्म के साथ ऐक्य बुद्धि करना कि हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर हैं, हम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार आना ही आत्महत्या के समान है।